press the bell icon on the YouTube app and never miss an update from Shemaroo. एक बार उन पुराणों से बाहर आकर देखो, मौके के लिए रास्ता बदलने वाले पात्रों के अलावा हीरो विलन कोई नहीं संसार के नाटक में। दादाजी भगवान कहाँ हैं? ऊपर आसमान में। हमेशा वही रहते हैं क्या? नीचे नहीं आते? हमें ही वहाँ जाना पड़ता है। हम कब जाएंगे? जब 100 साल के हो जाओगे तब। भगवान कैसे दिखते हैं दादाजी? भगवान हमेशा एक जैसे नहीं दिखते, दिखने वाले हर वस्तु में, जीने वाले हर प्राणी में होते हैं। तो फिर भगवान उस दीपक में भी है क्या? हाँ है ना। और उस गुब्बारे में? हाँ। उस लालटेन में भी है? है ना बेटा। तो हमें क्यों नहीं दिखाई देते? जब बड़े हो जाओगे तब दिखेंगे। अब सो जाओ। दादाजी। हाँ बोलो बेटा। आपके दादाजी कहाँ हैं? ऊपर भगवान के पास। लेकिन अभी तो आपने कहा कि भगवान उस गुब्बारे में हैं। आपके दादा भी उस गुब्बारे में होंगे ना? अरे बाप रे, लगता है तुम्हारे सवालों से मैं रात ही रात कहीं तीर्थ यात्रा के लिए ना निकल जाऊं। ए, कल सुबह सुबह अपने दादाजी को और भगवान दोनों को लेकर आऊंगा। अब सो जाओ। हे भगवान, हे भगवान, भगवान, हे भगवान, 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 हे भगवान, 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 भगवान। माँ देखो ना, इसने मेरा गुब्बारा दोबारा से फोड़ दिया है। ए, तुम दोनों की पिटाई करूंगी, चलो चुपचाप खाना खा लो। दादाजी ने कहा था उस गुब्बारे में भगवान है, इसीलिए मैंने फोड़ दिया। रुक जा, सुन, सुन, दोबारा आएगा ना बताऊंगी तुझे। इधर आ, सुन, आजा, दोबारा बताऊंगी फिर तुझे मैं। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ अगर आप अपनी बातचीत बंद करें तो फिर हम आगे बढ़ें। सभी बुजुर्गों से विचार विमर्श के बाद इस अवधि के सरपंच के बारे में हमने एक फैसला किया है और वो ये है कि इस बार भी हमारे दशरथ कुमार जी ही गांव के सरपंच चुने जाएंगे। यही फैसला है। तुम बूढ़े लोग क्या फैसला करोगे? 25 सालों से बिना प्रतिद्वंदी के राज किया काफी नहीं था क्या? इस साल भी राज करोगे? क्यों रे, सुबह सुबह गांजा मार कर आया है क्या? तो चुप करना, इस बार पंचायत में हमारी जाति का बहुमत है, क्या समझ रखा है? बीच में जाति की बात कहां से आ गई बे लंगूर? जितनी औकात है उतनी ही बात कर। ए, आप लोग चाहे कुछ भी कहो, इस बार हमारे सरपंच रघु जी होंगे। इतने दिनों तक तो हमने आपको सपोर्ट किया था ना, अब आप हम लोग को सपोर्ट कीजिए। अगर कोई दूसरा प्रतिद्वंदी खड़ा हुआ ना तो खून बहा देंगे, समझ लीजिए। किसका खून बहाने की बात कर रहा है रे तू यहाँ पर? चल बुला, किसको बुलाता है?
भेज उसे सामने। अपनी मर्दानगी अपनी बीवी बच्चों को पालने तक ही रखना, हराम खोर कहीं का। तेरी तो क्या शांति रखिए, क्या बेवकूफ लोगों के मुंह लग रहे हो, जाओ पीछे। सुनिए, हमारे गांव में आज तक जब भी इलेक्शन हुए हमेशा मुझे ही बिना प्रतिद्वंदी के आपने चुना। अब प्रतिद्वंदी की बात हो रही है, अगर प्रतिस्पर्धा हुई तो खर्चा और कार्य दोनों बढ़ जाएंगे, और वो मैं कतई नहीं चाहता, इसलिए मैंने एक फैसला लिया है। मैं अपना नाम वापस ले रहा हूँ। नमस्ते पिताजी, आप जल्दबाजी कर रहे हैं पिताजी। मालिक, बड़े मालिक, उस गांजा बेचने वाले की बात आप क्यों मान रहे हैं? उसके हिस्से में तो 100 वोट भी नहीं पड़ेंगे। आप मेरी बात चलिए रुकना, केशव को लेकर सीधे घर। मालिक जिंदाबाद, बस हो गया हो गया हो गया, इस चोरी की शराब तैयार करने वाले के अलावा और कोई नेता नहीं है तुम्हारे गांव में? चल बे, जब हाथी अपनी पूंछ छुपाकर यहाँ से भाग गया है तो तू कहाँ से आया उस पूंछ की मक्खी? हमारे होने वाले सरपंच रघु, अगर तुझे अपनी ताकत दिखानी ही है तो मैं खड़ा होऊंगा, दम है तो जीत कर दिखा। तेरे जैसा अगर बिना स्पर्धा के जीत गया तो इस गांव के लिए शर्मनाक बात होगी। खड़ा हो, लेकिन प्रचार के नाम पर मेरे रास्ते को काटने की कोशिश करेगा तो मेरी गर्भवती बीवी की कसम, तेरे शरीर के टुकड़े हो जाएंगे। है। अपनी बकवास को बंद कर, पहले अपनी बीवी के वोट को पाने की कोशिश कर बे हरामखोर, निकल। केशव जिंदाबाद, केशव जिंदाबाद, केशव जिंदाबाद, केशव जिंदाबाद, केशव जिंदाबाद, केशव जिंदाबाद। बी कॉम और एम कॉम की पढ़ाई गुंडे इकट्ठा करके गुंडागर्दी करने के लिए नहीं करवाई थी। नौकरी छोड़कर राजनीति करेगा, राजनीति। सुन ले, गुंडों से स्पर्धा करने वाला कभी न कभी जरूर एक गुंडा ही बनता है और कुछ नहीं। आपने इतने दिन जो राजनीति की वो गुंडागर्दी थी बड़े मालिक। ए, चुप करो, तुम दो बार जेल गए तो अपने साथ इस कैदी को ले आए, अब मुझे बताओ कि तुम लोग आगे गुंडागर्दी करोगे या राजनीति करोगे? गले में लटकी तलवार को तलवार से हटाना गलत नहीं है बड़े मालिक, वैसे भी हमने वहाँ किसी का खून थोड़ी किया है। पर करोगे जरूर, तुम और तुम्हारे विचार। उस समय की और आज की राजनीति में बहुत से बदलाव हुए हैं, इसलिए मैं हाथ झाड़कर चला आया, लेकिन घर आने की देरी नहीं हुई कि एक और बड़ा नेता पैदा हो गया। जाओ लेकर इसे, गांव भर में इसका प्रचार करो, जाओ इसे लेकर। अगर आप जैसे महान लोग पीछे हट गए तो राजनीति का रंग ही बदल जाएगा। मतलब हम भी इनके जैसे हाथ में चाकू तलवार उठा ले क्या? ठीक है, जाओ, जो मन में आए वो करो, जाओ तुम जाओ। बड़े मालिक, आपके घर का चिराग हमेशा के लिए बुझ गया बड़े मालिक। केशव, 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 हमें ऐसा गंद क्यों दिया भगवान? इसमें कसू ने क्या बिगाड़ा कुछ नहीं मिला, लेकिन अब अपने घर के दीपक को बैठा मैं। ये क्या हो गया?
आज तो ये बच्चे हैं, छोड़ दे। आपकी बड़ी मेहरबानी। अच्छा बेटा, हवा लगे चिंगारी को तो आग बन जाए, एक सहारा जो छीने तो दूजा बन जाए, तन साथ में कर्म ही साथ में जाए, चलता रहे यूं ही जीवन, ईश्वर जो चाहे, ईश्वर जो चाहे। में भी प्रेम का पंछी बनके तुझको है उड़ना, मेघ की तरह तुझको है गरजना, मेघ की तरह तुझको भी धरा पे है बरसना। सहना और ना पाप को तू करना खुद इंसाफ, अब तू
दादाजी भी मर जाएंगे क्या? ऐसा नहीं बोलते। आपको ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा, हम शहर चलते हैं। क्या पाप किए थे मैंने कि भगवान ने मेरे घर के दीपक को बुझा दिया? मैं भी आपके बेटे की ही तरह हूं, मेरे रहते ऐसा मत कहिए बड़े मालिक। ये बात नहीं है, जब घाव हरे होते हैं तो दूसरे ही नहीं अपने पराए सभी साथ देते हैं। उसके बाद समय की दौड़ के चलते संस्कार के सारे रंग उतरते चले जाते हैं। लोकी, एक बेटे की तरह नहीं बेटा ही बन जाओ, मैं तुम्हें गोद ले लूंगा, मेरी बहू से शादी कर लो बेटा। बड़े खून के बदले खून, दिल के बदले दिल ही अगर उपचार होता है तो टूटे बंधन का दोबारा बंधन बनना ही उपचार है। मैं इस धर्म में विश्वास करता हूं। दीदी दीदी दीदी, हमारा छोटा भाई आया है, एक बार आकर देखो ना दीदी। आओ ना दीदी, दीदी दीदी चल हट, वो हमारा भाई नहीं है, चले जा जा जा, वो मेरा भाई नहीं है। सावित्री, ये गांव छोड़कर शहर जाने में ही हमारी भलाई है। वाणी वाणी वाणी, मेरी बात सुनो बेटा। वाणी, हम 6 महीने में वापस आ जाएंगे। वाणी, इस दुनिया में कौन बुरा है और कौन भला कुछ समझ नहीं आ रहा है दादाजी। हर तरफ अंधेरा है, नगर के ग्रेनाइट की जमीन पर सुप्रीम कोर्ट ने कालू ठाकुर के खिलाफ स्टे ऑर्डर दे दिया है। कालू ठाकुर के पीछे पाराशाही का हाथ बताया जा रहा है। इस बात का एमएलए लोकनाथ को बहुत फायदा हुआ है, जिन्होंने एक बार फिर अपनी जीत का डंका बजाया। बस कुछ ही देर में पूना में उनके पार्टी कार्यालय में आ रहे लोकनाथ जी का जनता बहुत जबरदस्त स्वागत कर रही है। ये क्या है भाई, सारे लोग मेरी तरफ क्यों भागते हुए आ रहे हैं? लिए कोई स्पेशल स्वागत अरेंज किया है क्या? आपको तो यूथ प्रेसिडेंट में 15 साल हो गए हैं ना? अभी भी मैं यूथ ही हूँ। लोकनाथ जी जिंदाबाद। ये देखा तूने शेर सिंह, मेरे सामने आया हुआ लड़का
अब मुझे देखकर अनदेखा करके जा रहा है। इसका तुक्का कैसे लग जाता है? इसका कोई तुक्का उक्का नहीं लगता है, इसके पास जनशक्ति है। एमएलए लोकनाथ जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। धर्मा, मुन्ना कहाँ है? कल रात सुरेश पर किसी ने हमला किया था ना, तो फिर क्यों भाई, सिंगल एक का या डबल एक का? भागो यहाँ से, चलो भागो भागो। ए रंगा, एक ऑमलेट बना। जो दूसरों के फेंके टुकड़े पर गुजर बसर करता है, उसके चेहरे पर मूछें अच्छी नहीं लगती। बात यह है, कानूनी तौर पर और वास्तविक तौर पर बिल्डिंग के ऑनर ये हमारे सुभाष चंद्र जी हैं। पिछले 3 साल से आप यहाँ पर रह रहे हैं, अब इस पर कब्जा करना चाहते हैं। इनके लॉयर नोटिस को भी नजरअंदाज कर दिया, इनको धमकाने के लिए मुझे से गुंडे को किराए पर रखते हो। इस कोर्ट का न्याय है ये भाई जी का सवाल है। ये देखो, कुल मिलाकर सबका सार ये है, 11 महीने का किराया भर दो या फिर अपना सामान लेकर खाली कर दो। तुम्हारे 10,000 में से दारू की बोतल और बिरयानी लेने के बाद ये बचे। चलो, अभी ढंग की गुंडागर्दी करनी हो तो बता देना। बाय। एजेंडा समझ में आया ना रामू? एक ही पार्टी में रहकर इस तरह की हरकतें करना ठीक है? हाँ बोल। एजेंडा में मुझे एक बात समझ में नहीं आई यार, तू उस एमएलए का बेटा है या उसकी बीवी का बेटा है? मेरी फैमिली के बारे में जानने का बहुत शौक है तुझे, जरूरत से ज्यादा जानने की कोशिश करेगा तो ना यहाँ का रहेगा ना वहां का, समझ आया? अपना भला चाहता है तो काम से काम रख, बेमौत मारा जाएगा वरना। स्टे ऑर्डर मिलने पर आपको बहुत बहुत बधाई, उम्मीद है फैसला आपके ही हाथ में होगा। हमारे नेता लोकनाथ जी, क्या आपको लगता है कि आपके जीतने से ग्रेनाइट की जमीन का फैसला हो जाएगा? ये सवाल आप कॉन्ट्रैक्टर पाराशाही या फिर सरकार से पूछिए। सुना है गवर्नमेंट के स्टे करने से आपको बहुत फायदा हुआ है सर। इस बीच तुम्हारे बाप ने शहर में 5 एकड़ जमीन खरीदी है, कितने में खरीदी जो सब जानते हैं वही बताओ। 5 करोड़ में। जरा बताओ जीवा ने इन्हें कितने में दिलवाई? 50 लाख में। देखो बेटा, लूटने की भी एक सीमा होती है, वो अगर पार कर लो तो खुद भी लूट जाओगे। आप कहना चाहते हैं कि सरकार सबको लूट रही है? गलत लोगों को पकड़ने के लिए सरकार सिर्फ लूटती ही नहीं है, दादागिरी भी करती है वो। नमस्ते सर, पारस शाही जी ने आपको नाश्ते पर बुलाया है। आज हमारे घर में नाश्ता बहुत अच्छा बना होगा, शाही जी को वहाँ भेज दो। नमस्ते। नमस्ते। कैसा नाश्ता बे? कौन सा नाश्ता कराएगा तू? सारे मर्ज की एक ही दवा होती है क्या? कभी हाथ पांव के अलावा मुंह से भी बात कर लिया करो। अगर तेरा मालिक एमएलए हमारे साहब के घर नाश्ता करने आएगा तो ऊपर से नीचे तक टूट जाएगा। हमारे साहब के आसपास बिना फटके उसे बता देना, वरना ऐसी हालत करेंगे कि वो भीख मांगने के लायक भी नहीं रहेगा। चल भाई। पब्लिक में इज्जत देने के लिए भी मेरे सामने सिगरेट नहीं फेंकते? सिगरेट का सम्मान से साइंटिफिकली कोई लिंक नहीं है पापा, ऐसे भी बचपन से आप मेरे सामने पीते आए हैं, मेरी भी आदत पड़ गई, अब कैसे बदल जाएगी? सही कह रहे हो। सुना है आज सुबह सड़क पर झगड़ा किया तुमने, हुआ क्या था? अभी तो मारा था, छब्बी क्या इतनी जल्दी? एमएलए का बेटा अगर किसी को मारे तो पेपर न्यूज से पहले एसएमएस न्यूज बन जाती है। ऐसे चिल्लर काम अपने हाथों में मत लो,
ऐसे कामों के लिए दूसरे लोग पैदा हुए हैं। तो ये भी आप जैसे लोगों के लिए नहीं बनी है। ये लीजिए। बात तो वही हुई ना आखिर। नमस्ते एमएलए साहब, आप तो दशरथ की तरह दिख रहे हैं। पापा, यही है कॉन्ट्रैक्टर पारस शाही जी, मिलना चाहते थे। अब बस भी करो पहचान, जब तुम्हारे पिताजी पंचायत के लिए लड़ रहे थे तब से हमारी पहचान है। वो तो दो बार टर्म में रूलिंग ना हो पाई तो क्या हम एक दूसरे को ऐसे ही भूल जाएंगे हैं? कॉलेज में मेरा बेटा और आपका बेटा बहुत अच्छे दोस्त है ना। अरे बच्चों, तुम लोग बाहर जाकर कैरम बोर्ड खेलो, जाओ। क्या हुआ लोकनाथ, ऐसे देख रहे हो जैसे किसी नाक को देख लिया हो? ग्रेनाइट की उस जमीन पर तुम्हारी तत्कालिक जीत के लिए मेरा अभिवादन। मेरे ड्राइवर को मारा फिर भी मैं मांडवाली करने के लिए चला आया। क्या हुआ, बेटे को कैरम बोर्ड खेलना पसंद नहीं है क्या? उसे और दूसरे खेल पसंद है सेठ। काम की बात करो वरना बाद में शायद मौका ना मिले। सिगरेट पीने और इज्जत देने के बीच कोई साइंटिफिक रिलेशन नहीं होता। बच्चे को बड़े तरीके से पाला है लोकनाथ। मेरे जैसे लोगों के ऊपर अंगार बरसा रहे हो ना, अब अगर उसको फॉलो ना करो तो फिर मुश्किल कुछ नहीं है। गैर कानूनी तौर पर कब्जा कर रहे हो, उसका सही हर्जाना नहीं जा रहा है, सिस्टम बैलेंस नहीं है। कंप्यूटर युग में पैदा होकर नक्सलिज्म की बातें कर रहे हो बेटा? चाहे किसी भी देश में हो, पॉलिटिक्स का एक ही मतलब है, मौका मिलते ही जितना हो सके उतना खा लेना चाहिए। तो फिर उसी काम में लगे रहते हैं ना, हमारे साथ बैठकर टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? पंचायत के प्यून से लेकर प्राइम मिनिस्टर के पीए तक के लोगों को मैं अपने हिसाब से मोड़ने वाला प्राणी हूँ। 500 करोड़ के ग्रेनाइट्स का घोटाला करके सांस भी नहीं ली तुम्हारे पिताजी ने। यह चाहे कितना भी गांधी क्यों ना बन ले, लेकिन लोगों से वोट नहीं खींच पाएगा। पहले मेरी जमीन से कब्जा हटाकर उस मामले को सेटल करो, उसके बाद मैं जीने दूंगा। क्या करना है क्या नहीं करना है हर तरह से सोच कर एक अच्छे फैसले पर आ जाओ। चलता हूँ। शाही, तुम्हें जो करना है वो इस सेटलमेंट के हिसाब से ही करो, वोट के बारे में हम सोच लेंगे। तुम्हारे बेटे को बहुत चर्बी चढ़ गई लगता है। बेटा, ये अभी जवानी के दिन हैं, इसे अपने तक ही रखो। हम छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं हैं, दिखने में इंसान हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर हैवान भी बन जाते हैं, काट डालते हैं। और कितने पैसे कमाएगा बे कमीने? अरे अपनी चिता लकड़ियों की जगह पैसों से ही जलवाएगा क्या बे? आज तुझे एक आम आदमी की इस चप्पल से मार खाकर अकल आ जाएगी, समझ गया? कीड़े पड़ेंगे, कीड़े पड़ेंगे, कीड़े पड़ेंगे। अगर इस तरह से मारोगे तो लाइन कहाँ जाएगी पता है? किस किस को मारोगे? लेकिन जो सामने आएगा उसे तो मार सकता हूँ ना। इतनी जल्दी खाने भी लग गए? मैंने बोला था ना रुको, प्रसाद लेकर आती हूँ। प्रसाद नहीं खाऊंगा तो क्या हो जाएगा आंटी? स्वर्ग में आपसे 2-3 मीटर पीछे रहूंगा, यही ना? आराम से खाओ, कहीं गले में ना फंस जाए। ओके। ये ठूसरे ही पैदा हुआ है माँ, इसके गले में कुछ नहीं फंसेगा। हेलो, यहाँ मैं डिग्री की पढ़ाई कर रहा हूँ समझे, तुम्हारी तरह फेल होकर नहीं बैठा हूँ। क्यों रे, सुना है तू आजकल कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ घूमकर इलेक्शंस करवा रहा है? इसके लिए कैंपेन किया था डैडी। ये उस पारस शाही का बेटा है ना? हाँ, उसी का है। अच्छी बात है, दोनों अपने अपने बाप के साथ होने के बजाय यहाँ जयवीरू बनकर बैठे हैं। लो क्लास लोगों के साथ भी दोस्ती किया करो, सेहत के लिए अच्छा होगा। यहाँ एक घोड़ा पहले से ही बेलगाम है, ये सब बंद करो और आगे क्या करना है वो सोचो। नमस्ते अंकल। तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो। तुम्हारे पापा ने जब नौकरी के लिए अर्जी दी तब मैंने सोचा कि ये कॉलेज गई कब होगी। धर्मा सर, हमारे होटल में इसे मैनेजर अपॉइंट कर दो। तो अभी के मैनेजर का क्या करूं? उसे हटाकर अपने घर में सब्जी लाने के लिए रख दो। थैंक यू अंकल। ओके। सावित्री, नाश्ता लगा दो, थोड़ा काम वाम भी कर ले। चल अब। ए, घर आए मेहमान से तमीज से बात करनी चाहिए। आई कांट टॉलरेट इट। ओ, ऐसा क्या? ए चिन्ना,
आज से मेरी सुमो तेरी हुई। ओह, क्यों? तुम्हें पुरानी लगने लगी क्या? हाँ? Just kidding यार। इस प्रोफाइल में तो धूम के अभिषेक लगते हो। By the way, thanks। Hey, कॉलेज में अपने लिंक्स कम कर ले। अच्छा? कॉलेज में अगर इतने भी लिंक्स मेंटेन नहीं किए, तो फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। फिक्र मत करो। लंच टाइम हो गया है। अब तो नाश्ता बंद कर। साहब जी अंदर हैं क्या? कौन से साहब जी चाहिए? छोटे साहब। वो बड़े साहब हैं और ये छोटे साहब हैं। तो फिर मैं क्या हूँ? बीज की गुठली हूँ। जाओ अंदर है। क्या हुआ बेटा? यहाँ बैठकर रो क्यों रहा है तू? हे भगवान, कैसे हुआ? तुम्हारी बुआ ने किया? मैं तभी समझ गया था वो इंसान नहीं चांडाल है। लेकिन बेटा तुमने किया क्या था? मैंने उसके स्कूटर की चाबी वाटर टैंक में फेंक दी। ये तो बहुत अच्छा किया। लेकिन क्यों किया? मुझे स्कूल नहीं जाना है मामा जी। तो छुट्टी हो गई ना? चमड़ी उधेड़ दूंगी, समझा? आकर लेकर पहन ले। इस तरह की चीजें पब्लिक में नहीं दिखाई जाती, नहीं जानते तुम? हल्ला मचाए बिना तुम स्कूल जाओ बेटा। वापस आते समय चेहरे पर खुशी झलकनी चाहिए। जाओ नेकर पहन कर आओ, जाओ। ओए सुरपंखा, नीचे उतार कर दिखा। बच्चे के निक्कर उतार कर बहादुर बन रही है। हिम्मत है तो मुझसे पंगा ले। सॉरी मुन्ना, चाबी तक हाथ ही नहीं पहुंच रहा, इसीलिए पानी कम कर रही हूँ। तेरी तो, अब तो तू गई। टैंक का पानी वेस्ट कर रही थी तुम फालतू ही। शायद जानती नहीं हो, गांव में पानी के लिए मर्डर हो जाते हैं। हाँ, और देखो ना, टैंक का पानी भी बच गया और तुम्हारे हाथ में चाबी भी आ गई। ए, छोड़ूंगी नहीं। अरे मेरे कॉलेज के सारे कपड़े भिगा दिए, मैं तुम्हें नहीं छोडूंगी। रुको, क्या कर रही हो? ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? क्या फिगर है यार। सॉरी पर वो कंट्रोल नहीं कर पाया ना। हे भगवान, ये क्या कर दिया? अब मुझसे शादी कौन करेगा? अरे अरे तो कर कर, अरे तो शादी तो तुमसे मैं ही करूंगा ना। मैं करूंगी तब ना। छोड़ ना, दो बार फेल हुए हो, अनपढ़ इंसान। अभी जाकर दीदी से शिकायत करती हूँ तुम्हारी। अरे मैंने किस किया ये सबको बताओगी तो शादी मुझसे ही होगी तुम्हारी। जाओ जाकर कपड़े बदल लो। ओह गॉड, टाइम की हवा निकल दी है, मैं लेट हो जाऊंगी। क्या भाई, आने में देर हुई नहीं कि हंगामा शुरू? ठीक है, मुझे क्लिनिक के लिए देर हो रही है। इन लोगों को स्कूल छोड़ा और इसे भी। का स्कूल में कोई जरूरत नहीं, इस गुंडे के साथ जाने से अच्छा होगा कि मैं ऑटो में ही चली जाऊं। जबान संभाल कर बात करो, बदतमीजी से बात मत करना। तुम खुद क्या हो? अधूरे कपड़े पहने हुई गुंडी। आहा, भाई को कुछ बोल क्या दो, झट से गुस्सा आ जाता है आपको। अभी ऊपर छत पर उसने क्या हरकत की पता भी है आपको? इससे तो ना देखते ही मेरा पारा गर्म हो जाता है। कुछ ठंडा पी लो, तुम्हें ठंडक मिल जाएगी। हाँ चाहे कुछ भी हो जाए, यही तुमसे शादी करेगा, देख लेना। आपने देखा ना भाई बहन की गुंडागर्दी? क्या हुआ? मेरी क्या हालत बना दी है? आप तो कुछ बोलते ही यार नहीं। यार मुझे छोड़ दो, मेरी क्लिनिक का टाइम हो रहा है। हाँ हाँ, आप तो उसी बंदर का साथ दोगे ना? क्या पंगा हुआ तुम लोगों को? आप तो जानते हैं ना जीजा जी, यूं ही बड़बड़ाती रहती है। ये साड़ी यहाँ नहीं आनी चाहिए थी। जिस दिन वो नाता जोड़ा उसी दिन मुझसे नाता टूट चुका था, कह दो उनसे। क्या आपने इनविटेशन देखा है? देखा है, इसलिए फेंकने की बजाय तुम्हें दे रही हूँ। उस घर में मेरा एक ही रिश्ता बचा है बस, और वो हो तुम। जिंदगी में अब तक जितने ड्रामे हुए काफी हैं, इसके आगे मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए। चलो बेटा। एक्चुअली 1817 में वाशिंगटन में हमारे पूर्वज रहते थे। ओए, नहीं यार, तेरा फोन तो मेरे पास है, तू फोन कैसे कर रहा है? ओह सॉरी सॉरी, लाइन मार रहा था। कैसी कैसी हरकतें करता रहता है। छी, सबकी ये कराए पर पानी फेर दिया। अरे मुझे भी ड्रॉप कर दो, रुको। सुन ना यार, इतने दिन से मैं लाइन मार रहा हूँ उसे, एक बार भी शीला ने मेरे बारे में नहीं पूछा क्या? हाँ पूछा ना। क्या पूछा? रोज तुम्हारे घर के सामने हाँ। खड़े होकर इस तरफ लाइन मारता हाँ। रहता है, वो लल्लू लाल क्या करता है ये पूछा मुझसे। शीला, आईएएस कर रहा हूँ बोलने के लिए कहा था ना? आईएएस कर रहा हूँ ऐसे बोलने को कहा, ये कहा मैंने? एक दूंगा ना, तू ना किसी की हेल्प करना जानता ही नहीं है। हेलो, यहाँ पर रोको, मेरी सहेलियों को पिक करना है। सहेलियाँ? शीला नहीं तो इन्हें ट्राई करके देखता हूँ। ये तुम्हारी सहेलियाँ हैं? दिखने में तो बैले डांसर लगती है। अगर तुम्हें फैशन का सेंस नहीं है तो मुँह बंद करके बैठो। अरे अगर मारना है तो जाके बिन लादेन को मारो ना, मुझ पर क्यों हमला कर रहे हो तुम लोग? सच में
ओए, बच्चों के सामने क्या कर रहा है? ए, लड़कियों के सामने टशन दिखाता है? मुंह पर थूक के बिना बात करने को कहा था ना मैंने? हर सीन में मेरे साथ कॉमेडी हो जाती है, अब पहले की तरह कोई मुझे सीरियस नहीं लेता। हेलो, बुड्ढों की तरह क्या चला रहे हो बॉस? थोड़ा स्पीड में लाओ अपनी लाइफ को। अरे बस करना यार। स्पीड? दिखने में कितना सीधा लगता है ये। अरे दीदी जाओ। सुनो, फिर से राइड चाहिए मेरे साथ? ना तुम्हारी राइड चाहिए और ना स्पीड मेरे बाप। भाई अब दोबारा कभी ये तुम्हारी गाड़ी में नहीं बैठेगी। लगता तो है। Baby, come on. अच्छा, इसके तो यहाँ बहुत दीवाने हैं। इन सब का इलाज होगा तब ठीक होगी ये। ए, अपनी बुआ को जाकर कहो माँ और चिपक जाओ, बाकी मैं देख लूंगा। कौन है मम्मी? कौन है मम्मी? चलो जाओ, तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है, चलो गो। दिल का फसाना सुनो, मेरा ये हाल देखो ब्रदरो, जब से देखा है उसे हुआ है प्यार मुझे ब्रदरो। देखो ये जो है लड़की, दिल मुझे देती नहीं, देखे ना मुस्कुरा के बात ना मुझसे करती, मुझ पे जादू चला के पागल करके वो चली। दिल का फसाना सुनो, मेरा ये हाल देखो ब्रदरो, जब से देखा है उसे हुआ है प्यार मुझे ब्रदरो। एक रोज बाइक पे जब आई वो, मारी जो टक्कर मुझको, लगी हंसने वो मेरी हालत पे, भरा बाहों में मैंने उसको। फिर वो लड़की हंस के चल दी, आशिक बना के मुझको चल दी, नखरे दिखा के चल दी, रूठ के वो मुझसे चल दी। शादी कर ले अगर वो लड़की मुझसे, करूँ मैं घर के सारे काम उसके, कदर न की उसने, प्यार न पहचाना उसने, रुसवा किया मुझको देखो उस लड़की ने। लड़की वो जिद्दी, दिल की ना सुनती, प्यार के बदले में झगड़ा करती, हंस के बात वो न करती, हर बात पे गुस्सा करती। सिनेमा में जो ट्रेजेडी होता है लाइफ में भी वैसा ही होता है। सिनेमा का ट्रेजेडी अलग होता है, लाइफ का ट्रेजेडी अलग होता है। दिल का फसाना सुनो, मेरा ये हाल देखो ब्रदरो, जब से देखा है उसे हुआ है प्यार मुझे ब्रदरो। अरे मेरी शादी नहीं हुई, मैं कुंवारी हूँ। कैसा दिख रहा हूँ मैं? अरे बाप रे बाप, लोह पुरुष वाला भाई पटेल लग रहे हैं सर। क्यों, तुम्हें इनकी नेतागिरी पे शक है क्या? सही कह रहा है। वो क्या है कि बिना धोती पहने ही नेता बन गया हूं ना मैं, और अब बिल्कुल नए नवेले दूल्हे की तरह लग रहे हैं पापा। क्या ये सब जरूरी है बेटा? ये सब अच्छा नहीं लग रहा। नहीं पापा, उस वक्त आप परिवार को जोड़ने के लिए दूल्हे बने थे, खुद के लिए नहीं।
इस बार अपने लिए बनिए, अपने अच्छे दिल के साथ हमेशा की तरह अच्छे इरादों को लेकर नीचे जाइए। वक्रतुण्डमाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या हुआ, लड़का पसंद नहीं आया क्या? तो ये बात इतनी देर बाद क्यों बताई? गौरी नारायणी नमस्ते। ये क्या बात हुई जी, लड़की को बिना देखा शादी तय कर दी थी क्या? शर्मा, आप लोग अपने घर जाइए। बहुत अच्छा था, लेकिन फिल्मों जैसा कोई सीन नहीं हुआ। कभी कभी जीत कर हारना भी पड़ता है, सीख लो। नानी नानी मेरी ड्राइंग देखिए। ए, बहुत रंग भर लिए, किताबें संभालो, स्कूल का टाइम हो गया। मेरे अस्पताल का टाइम हो रहा है, जाना है। दोबारा ये रोनी सूरत लेकर यहां मत आना, मुझे और मेरे बच्चों को परेशान करने। मेरी स्थिति तुम नहीं समझ सकती बेटी, इसलिए मैं हमेशा तुम्हें समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी तू नहीं जानती। पति को मरे एक महीना भी नहीं हुआ कि तुमने दूसरी शादी कर ली। तुम्हें देखती हूँ तो मुझे खुद पे शर्म आती है। ये शादी मैंने किसके लिए की जानती है? हमारे लिए की होती तो किसी तीसरे को जन्म देती क्या तुम? ऐसे फंक्शन के लिए राजी होकर मैंने गलती की सावित्री। मेरी बेटी ने आज मुझसे कहा, अपने स्वार्थ के लिए मैंने आपसे शादी की, आपके परिवार के लिए अगर मैं आपको वारिस नहीं देती तो ये मेरा अधर्म होता। ऐसा करके आपका ऋण चुकाया, ये बात भी उसे कहने की मेरी हिम्मत नहीं होती। उस शादी से पहले काश मैं मर गई होती, मुझे आज ये सब सुनना नहीं पड़ता। ऐसा लग रहा है कि शहर में पहली बार आकर खींच रहे हैं। कौन है ये सब लोग? बड़े बाप के औलाद हैं ये सब, एक एसपी का बेटा है और दूसरा शाही का और तीसरा एमएलए का बेटा है। विदेश का कल्चर यहाँ लेकर आ गए, डांस विद ड्रग्स। ये क्या बात हुई, अस्थमा का मरीज है क्या? देखने में तो ऐसा ही लगता है, लेकिन सबके अंदर ड्रग्स भरा हुआ है सर। पार्टी होस्ट करने वाला लगता है अकेले आया है भाई, फ्लोर पर मस्त झूम रहा है, कम ऑन यार। ये कौन है बे? थर्ड ईयर का स्टूडेंट है भाई, हमारी गैंग में शामिल होना चाहता है। अच्छा, तो हमारा गैंग इतना फेमस है? इसके पापा राज्यसभा में मेंबर हैं। मुझे इसके पापा की क्वालिफिकेशन नहीं सुननी, मुझे इसका स्टेमिना देखना है। सिलेबस बताया ना? जानता हूँ, 30 सेकंड तक मार खानी है और मम्मी पापा नहीं कहना।
तो शुरू हो जा। ए, ये पब्लिक प्लेस है यार, यहाँ मारना ठीक नहीं होगा। ए, मेरी बात मानो यार। तू बस अपना काम कर, समझा? चल चल यार। अरे सुना, अरे मेरी बात मान यार। Ready, shoot! Guys off! तेरी तो उठ, अभी तेरी दूध पीने की उम्र है, हमारे साथ बियर पीने के लायक नहीं हुआ है तो। क्यों बे, मुझे क्या दिल्ली का बिल्ली समझ रखा है क्या? तेरी फैमिली के लोगों ने कल तेरा भाई लड़कों के साथ आकर आग लगाने की वार्निंग दे गया था, और तू दूसरी गैंग के साथ आकर यहाँ तोड़फोड़ करने की सोच रहा है क्या? हैं? क्यों बे, मुझे क्या तुम लोगों ने आंडू पांडू समझा है क्या? मुझे क्या आंडू पांडू समझा है क्या? बुलेट सेंटर पर लगी या नहीं डाउट हो रहा है क्या? अगली बार लगेगी। ये तो वार्म अप था, गीला हो गया, जल्दी साफ करवा ले। और हाँ, भैया ने तुम्हें वार्निंग दी थी ना? पिछले 7 सालों से बेकार की फिल्मों द्वारा परिचय देने की कोशिश करने वाले इस हीरो को अब एक हीरोइन मिल गई। ठूस ले, सुबह सुबह उठकर तेरे पास ठूसने के अलावा कोई और काम तो है नहीं। मेरे घर में बैठकर हीरो हीरोइनों की कहानियाँ पढ़, और जब जब बोर हो जाए तो कमर कसकर यूथ प्रेसिडेंट कहलवा कर घूम। थू, ये भी कोई जीना है? 30 साल की राजनीति करके, अरे कम से कम भाई का बार भी नहीं बचा सकता तू। क्या बात है छोटे, बात को बताए बिना इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? तो क्या चुटकुले सुनाऊं? ये फालतू की खबरों को छोड़कर फ्रंट पेज के बड़े बड़े नक्शों को पढ़। आपने ये खबर सुनी है या नहीं? हमारे एमएलए के बेटे ने भाई जी के बारे में कल रात को आग लगा दी। अपनी आंखों के सामने ऐसा होते देखकर वो कितने गुस्से में है पता है? लेकिन ये बात जानकर आप क्या उखाड़ लेंगे? 30 साल से एक ही पार्टी की भीड़ बजा रहा है, लेकिन एक सीट भी नहीं ले पाया अभी तक। ऊपर से तुझे खिलाना भी पड़ता है। तू मेरा भाई है, कहने में भी शर्माती है मुझे। अब आप क्या करेंगे? अपना चेहरा धोएंगे या और अच्छे रिजल्ट के लिए ऐसे ही मेंटेन करते रहेंगे? कॉमेडी कर रहा है क्या मेरे साथ तू भी? किसी ना किसी दिन ये कॉमेडी कैरेक्टर सीरियस हो जाएगा, और सीरियस कैरेक्टर का जीवन कॉमेडी जैसा हो जाएगा, देखते रहना। आज नहीं छोड़ूंगा इसे। ए, उठ बेटे की औलाद, तू ये चर्सी कब से बन गया? पीकर आग लगाएगा। रुको बाबा, मुझे आवारा दोस्तों के साथ उल्टे सीधे काम करता है। लाखों लाखों खर्च करके कॉलेज में एडमिशन इसीलिए करवाया था। पापा, बार में लड़कों को मैंने ही भेजा था। फालतू बातें करके इसे बचाने की कोशिश मत करो। इसे तो मैं, सुनिए तो, बार को जलाने के लिए बादशाह को मैंने ही भेजा था, आप चाहे पूछ लो। उस समय ये वहां पर फंस गया, बस अब छोड़ो अभी, चलिए ना। अब तक जो किया बहुत हुआ, फॉरेन जाकर पढ़ाई करेगा या यहाँ रहकर बिजनेस करेगा? एक हफ्ते में सोचकर जवाब दे दे। इसके अलावा तुमने कुछ और किया तो हाथ पैर तोड़कर कोने में बिठा दूंगा उल्लू का पट्टा कहीं। अब चलिए ना। पापा, इसके जलाने या मेरे जलाने में आखिर फर्क क्या है? ये नहीं सुधरेगा। मेरे सामने बराबरी की बात करेगा तो मुंह तोड़ दूंगा तेरा। अब चलिए ना। ए, तू छोड़ मुझे। ये सोच कर करता है और तुम गुस्से में करते हो, यही अंतर है। अब बहुत हो गया, कल से इसे रेस्टोरेंट का अकाउंट देखने के लिए बिठा दो, कुछ तो दिमाग का इस्तेमाल करेगा। आग लगाने के बाद मुझे एक बार फोन तो किया होता, पता है ना वो इलेक्शन भी सर पर है, इसीलिए वो टेंशन में है। शराब की बदबू नीचे तक आ रही है, जाके नहा ले। जो हाथ स्वादिष्ट खाने को बनाकर खिलाता है, वही हाथ बटन के टुकड़े भी करता है लोकनाथ। मुझे राजनीति में जगह ना देने के अलावा मेरे छोटे भाई की जिंदगी को राग बनाने वाले, अब तुम्हारे ऊपर इस कालू की काली छाया पड़ने वाली है। ये छाया तेरे साम्राज्य को खत्म कर देगी। अगर तुझसे हो सके तो पार्टी का टिकट लेकर दिखा। मेरे ख्याल से ऐसे लोगों को पीछे नहीं, सामने रखना चाहिए। पिछले इलेक्शन में आपने देखा था ना, हमारे साथ ही नाटक कर गया था वो। मेरी चिंता उस फफूद के बारे में नहीं है बेटा, घर में बढ़ रहे कैंसर के बारे में है। तुम्हें देखकर छोटे में भी लीडर बनने की इच्छा जाहिर होती दिख रही है मुझे। राजनीति में आने वाला हर कोई
बदले की भावना से आता है। पीछे चलने वाले चार गधों की वजह से खुद को लीडर समझ बैठता है। मेरे अलावा इस घर से कोई और लीडर होगा तो तुम होगे। राजनीति के गुण लेकर तुम पैदा हुए हो, छोटे में वो गुण नहीं। पार्टी के लोगों को मेरा नमस्कार। आज के दिन हमारी स्टार होटल में मिलने की वजह है। कट 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 कट। अरे ये तो ऐसे बोले जैसे चपंदी कम हो। कोई बात नहीं यार, औरत के भेष में मर्द को औरत समझकर हर कोई वोट दे देता है। क्या बात कर रहे हो। लेकिन भाषण देने के तरीके में थोड़ा मर्दानगी डालकर हम लोग टेक ले लेते हैं। रेडी एक्शन। सभी को मेरा नमस्कार। तो मेरी पार्टी के मेरे प्यारे साथियों, मेरे जैसे दिल वाले युवती युवक गण, अब इसके आगे क्या बोलोगे? ऐसा लग रहा है नौटंकी देख रहे हैं हम लोग। अगर ये ऐसे ही भाषण देगा ना तो सबको सत्यानाश हो जाएगा यार। अबे तुम्हारी तो साले कमीनो, कैसे भी बोलूं से क्या फर्क पड़ेगा यार। इस बात की टेंशन छोड़ो, तुम पार्टी के कार्यकर्ता आए नहीं है बताओ? वो लोग तो कब के अंदर आ चुके हैं, लॉन में नाश्ता कर रहे हैं। करेंगे ना, यहाँ खाना लगा रखा है ना, खाने पर आने तक क्या वो लोग नाश्ता ही करते रहेंगे? अरे दर्द, अब जाओ बुलाओ उन्हें। ये लीजिए आगे। अब हमें जो बात करनी है वो ये है कि हमारे राजनीति के तरीकों में अब बहुत सारे बदलाव होने चाहिए। हमारी पार्टी का सर दोबारा ऊंचा हो, इसलिए इस टर्म में दोबारा जीत कर हमें अपनी पार्टी की प्रतिष्ठा को बरकरार रखने के लिए सभी लोग स्वस्थ कंठ के साथ, ओए पहले जो खिलाना पिलाना है वो प्लेट में डाल, हमारे भाषण के साथ साथ हम लोग अपना काम भी पूरा कर लेंगे। क्या कहते हो सोम बाबू? इनका भाषण हम क्यों सुने, ये कोई अटल बिहारी वाजपेयी है क्या? सही कहा है सोम बाबू, अब आप ही बताइए हम लोग क्या करें। तुम लोग शुरू हो जाओ बे, अगर इनके भरोसे रहे तो अपने काम से हाथ धो बैठेंगे। वैसे भी सलमान की नई फिल्म रिलीज हो रही है, मैटनी का टाइम हो रहा है। ये लोग ऐसे ही बात करते हैं, मैटनी के शुरू होने से पहले पॉइंट पर आ जाइए। मित्रगण, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सब करने के बाद भी इस पार्टी ने मेरे लिए क्या किया, इस बात को मैं ठोक बजाकर पूछना चाहता हूँ। थोड़ा दूर हटकर ठोको बजाओ, बोतल टूट जाएगी। अगर टूट जाएगी तो मैं दूसरी मंगवा दूंगा। तुम ठूसो। बहुत अच्छा भाई, खाना तो आपने बहुत बढ़िया खिलाया, अब हमसे क्या चाहते हैं वो बता दीजिए। इन्हें सीट दिलाने के लिए आप लोगों को धरने पर बैठना होगा। क्या कहा? हम लोग तुम्हें बकरा नजर आते हैं, दारू पीकर हम लोग अपना ईमान बेच देंगे, ऐसा सोच रहे हो क्या तुम लोग? समझते क्या हम लोग? भैया इन्हें जाने दो, चलो मैटनी शो शुरू होने का समय हो गया। कुछ भी करने से पहले तुम लोग अच्छी तरह से सोच समझ कर करना, राजनीति करने के लिए लोगों का साथ होना जरूरी है, उनके हाथ में भी कुछ देना बहुत जरूरी है, कुछ समझे कि नहीं? मैं तो वादों की बरसात समझ रहा था, लेकिन यहाँ तो बोतल की बारिश ही है। आप एक मिनट रुकिए, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। इतना खर्चा किया ऐसे जाने देंगे क्या? सुनिए सोम बाबू, ये भी ले गया। अरे भाई सोम बाबू रुकिए, रुकिए तो सही, मेरी बात तो सुनिए। कालू ठाकुर को इतने हल्के में मत लीजिए, वो तो जन्म से ही ठाकुर है। आप सभी के लिए उन्होंने 30 कारों का ऑर्डर दिया है, बेचारे बिना सीट के देखिए कैसे कुत्ते की जिंदगी जी रहे हैं, इतने पैसों का करेंगे क्या वो? बस कुछ दिनों के लिए आप लोग उन्हें प्रजा की सेवा करने दीजिए, बहुत सम्मान करेंगे। आइए ना सोम बाबू। ओए अबे ये लोग कुछ सम्मान उम्मान देना चाहते हैं, आओ चलकर देखते हैं क्या है। हाँ, फिर चलिए, क्या होगा? आइए। अरे बाद में देख लेना। चलो भाई अब बोल रहे हैं तो चलो, क्या कर सकते। आइए अंदर आइए, बैठिए बैठिए। ओए आए, 1 घंटा हो गया यार, अब तो गला गीला करा दे। ए शिवा 4 बियर लेके आना। सर आज ड्राई डे है सर। तो? अरे ड्राई डे औरों के लिए होगा, हमारे लिए नहीं। सर आज हम दारू सर्व नहीं करते, होटल की पॉलिसी है सर। क्या? ओए ये पॉलिसी वॉलिसी मैं देख लूंगा, तू जा कर ले जा। सॉरी बच्चा पार्टी जरा लेट हो गया। कोई बात नहीं। ये क्या इतना बड़ा केक? यही तो मेरी परेशानी है,
कहाँ से शुरू करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना बड़ा केक पहली बार देखा है। बात करूंगा ना, समझ में नहीं आता कितनी बात तुझे। सर्व करने से मना किया है सर। कौन है मैडम? एक्सक्यूज मी सर, क्या प्रॉब्लम है? कैन यू प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ? हु आर यू? आई एम द न्यू मैनेजर हियर, वी डोंट सर्व लीकर टुडे। आप किसी दूसरे रेस्टोरेंट में जा सकते हैं। अच्छा, कितने दिन हुए ज्वाइन किए हुए? वन वीक। तो फिर इतने दिनों में कभी वो फोटो नहीं दिखी क्या? अब समझ गई मैं कौन हूँ। एंड बाय द वे, यू आर फायर, कोई दूसरा रेस्टोरेंट ढूंढ लो। Hey, चिन्ना, जानता है वो लड़की कौन है? नहीं जानता, पर है मस्त। बादशाह की बेटी है, सॉरी का उससे। अच्छा, मैंने तो जॉर्ज बुश की बेटी समझा था उसे। बादशाह की बेटी है ना, तुम्हें इतना बुरा लगा तो तुम सॉरी कह दो। साथ में मेरे दोस्त है ना, मेरे कहने से इमेज डाउन हो जाएगी। हाँ प्लीज, इधर दे दे। खाना खाने से पहले आसपास कौन बैठा है ये जानना भी सीख लो। बात समझ में नहीं आई क्या? इसे खाना मत परोसो। लड़की को सॉरी कहने के बाद ही इसे खाना मिलेगा। सॉरी। खड़े होकर तमीज से बोलो। सॉरी, रेस्टोरेंट में आपसे मिसबिहेव किया। आप लोग बैठिए। बैठिए कहा? जब मन चाहा तो साथ में बिठाया और जब मन किया तो निकाल दिया। उस तरह के भाड़े के लोग नहीं हो आप सब। कल से ये बच्ची ही तुम्हारी बॉस है। फालतू की आदतों को छोड़कर होटल मैनेज करना सीख लो। काम की समझ होने के बाद ही यहां रहने की जगह मिलेगी। भले ही पढ़ाई करें या ना करें, कॉलेज में घुसते ही सारे संस्कारों में आग लगा देते हैं। करें। हारने और जीतने वाले के बीच में सिर्फ एक दीवार होती है और वो है सही जानकारी। बिना जानकारी के करोड़पति होना भी बेमतलब है। मुझे इस महीने की बैंक डिटेल चाहिए। श्योर मैम, ये मेन्यू डिजाइन किसने किया था उसे कॉल करो। सॉरी जी, आई वाज वेरी रूड टू यू। ये मेरी असली पॉलिसी है। ट्रेनिंग टेबल से स्टार्ट करेंगे? प्लीज डोंट डू दिस। सॉरी, आपने मेरी वजह से डांट खाई। अरे वो कोई बात नहीं, मुझे तो आदत पड़ गई है। ऐसा कुछ बुरा भी तो नहीं कहा। एक सुंदर लड़की के नक्शे कदम पर बिजनेस सीखने को कहा है, तो आप थोड़ा चलकर दिखाएंगी, मैं फॉलो कर लूंगा। प्लीज फॉलो मी। ए बच्चे लोग आ जाओ यहां पर, ये देखो मैं आ गया। ए चलो चलो, अच्छी भर के फटाके फोड़ेंगे। मैं लूंगा। पहले मोहल्ले की सारी वानर सेना को बुलाकर यहाँ लाओ। ये कोई हल्का फुल्का फेस्टिवल नहीं है, इट्स अ कार्निवल। ये लो, ओ ओ ओ ओ। हेलो, क्या बात है? इतने दीपक जल रहे हैं फिर भी दिखाई नहीं देता क्या? मुझे तो तुम्हारी रोशनी के सामने रानी कोई भी दीपक दिखाई नहीं दे रहा। लड़कियों को पटाने के लिए तुम लोग क्या क्या ट्रिक्स आजमाते हो सब समझती हूँ मैं, फ्लर्ट कहीं के। और मुझे इतनी तारीफी नजरों से मत देखो वरना देवदास बन जाओगे। पता है अगले महीने मुझे देखने के लिए अमेरिका से एक जेंटलमैन आने वाला है। तुम सामने से हटो, यूजलेस फिल्म। बस ज्यादा भाव मत खा, तेरे से तो कोई पागल ही शादी करेगा। अपने भाई के सिर पर एक बाल्टी ठंडा पानी डालो, सिर बहुत गर्म है उसका। ये सब क्या है? सारा सामान यहाँ क्यों फैला रखा है? इतने दिनों से जो ठीक से देखता भी नहीं था, अब नजर लगाने पर तुला हुआ है, बदमाश कहीं का। क्रैकर्स आर वेरी डेंजरस। इसे कैसे फोड़ना है तुम लोग नहीं जानते। फटाके कैसे फोड़े जाते हैं ये मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तुम लोग अगले साल फोड़ना। कम, दिस इज एटम बॉम्ब, दिस इज लक्ष्मी बॉम्ब, नो आइटम बॉम्ब, दीप 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 दीपावली। हमें बेवकूफ बनाकर ये कुछ ज्यादा ही मजे कर रहा है। रुक मैं तुझे बताता हूँ। दीप 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 दीपावली। मुरली वाला यशोदा का लाला, हर कोई गाए तेरी लीला। कितनी है प्यारी छवि ये तेरी, सबको लुभाए तू गोपाला। तू हंसे तो सुबह होती, ना हंसे तो काली रात होती।
कृष्ण जब गया द्वारका, नरकासुर नाम का दानव हमला करने आया वहाँ पे। हाँ, नरकासुर, वो कैसा दिखता था मम्मी? आँखों में आग, काला सा चेहरा, आया वहाँ पे गुस्से में वो, भेड़िये जैसा रूप था उसका, भयानक बड़ा राक्षस वो। मतलब उस विलेन को कोई नहीं मार सकता मम्मी? मार सकते हैं। कृष्ण ने उसके साथ फाइट की थी? हाँ की थी, उससे पहले कृष्ण ने सत्यभामा से भी फाइटिंग की थी। हाँ कर लिया कृष्ण को जिसने वश में, वो थी तुम्हारे जैसी ही राधा, वैसा ही रूप धर के आई तू, कर चुकी वश में हमको भी तू, मन मोहिनी बन के आई हमारे मन में है तू। देखो आहा, उस नरकासुर का किसी ने मर्डर किया या नहीं? नरकासुर को मारने के लिए भेजा हरी ने सत्यभामा को, किया वध उसका सत्य के लिए, सभी मनाते हैं तभी दिवाली, होता है दिन ये सत्य की विजय का त्योहार है खुशी का, हर घर में होती है रोशनी, शुभ है दिन दीपावली का। और आज आकर बोल रहे हैं कि कैंडिडेट को बदल दो, ये कैसी जबरदस्ती है तुम्हारे? जब तक आप उनके सीट उन्हें नहीं देंगे तब तक ऐसे ही बातें करते रहेंगे। अगर ऐसी बात है ना तो यहीं बैठे रहने को कहो, हम लोग पार्टी का ऑफिस बदल लेंगे। 5 साल से जो MLA जीत रहे हैं उनकी सीट इन्हें दे दें। क्यों, ये कोई लाल बहादुर शास्त्री है का? कह दो इतना ही शौक है तो जाके निर्दलीय चुनाव लड़े। अबे ओए नरसिंह, ऐसे मुंह तकने की बजाय उस सूटकेस को उठाकर पहले टेबल पर रख। अरे ये सब का है, इनकम टैक्स का काम शुरू किया है? एक एक सूटकेस में 500-500 की नोटों के हजार हजार बंडल हैं। अगर हिसाब आता है तो हिसाब लगा लो, सीट बदलकर अगर रात ही रात में गोवा की फ्लाइट पकड़ लो तो लोकनाथ आकर जब तक दरख्वास्त देगा तब तक नॉमिनेशन प्रोसेस खत्म हो चुका होगा। राजनीति छोड़कर किसी अच्छे शहर में जाकर अपना मल्टीप्लेक्स बनाकर सिनेमा देख सकते हो, वो भी बिना सेंसर वाला। इस सेक्रेटरीशिप में कुछ भी नहीं रखा है, सोच लो। इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? फालतू सवाल, 25 साल से जिसने राजनीति की है उसके पास इतने पैसे नहीं आएंगे तो क्या तेरे पास आएंगे? तो क्या सोचता है कि हम लोग पारस के घर बांसुरी बजाकर ये पैसे लेकर आए हैं? सब ब्लैक है ना? साहब का रंग देखकर नहीं लगता क्या? लेकिन हाँ, सिंगल सीट के लिए इतने नोट किसी ने नहीं दिए हैं, रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। क
पैसा फेंको तो गधे को भी सर पर बैठाकर नाचते हैं। निस्वार्थ काम करने वालों का अब जमाना नहीं है जी, जनता की सेवा के बदले अपना स्वार्थ पूरा करते हैं। तुम्हारे गुस्सा होने से कुछ नहीं होगा धर्मा, स्वार्थ ही मनुष्य का असली गुण है, निस्वार्थ उसको बचाए रखने वाला कवच। पिताजी फोन पर बात करने की हालत में तो है ना? तेरे जैसे टुच्छे से बात नहीं करनी। अपनी टिकट से हाथ धो बैठे है ना, एक गधे के हाथों सांत्वना देना चाहता हूँ बेटा। सांत्वना को बचा कर रख, तुझे उसकी जरूरत पड़ेगी। हारने वाले हो जानने के बाद भी कॉन्फिडेंस मेंटेन करना अच्छा सिखाया है तुम्हारे पिताजी ने। जीत या हार से कॉन्फिडेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यह बात तेरी समझ में नहीं आएगी। एक बहुत छोटी सी सलाह देता हूँ, कल नॉमिनेशन होने के बाद अपने बाप को बाहर निकलने मत देना, उनकी कुंडली के ग्रहों में बहुत गहमा गहमी चल रही है इस वक्त। ठाकुर को मारने के लिए अपने लड़कों को भेज दीजिए। है उसने करवाया, किसने कहा तुझसे? ये सब पारस का काम है, इंडिपेंडेंट होते हुए भी हम जीत जाएंगे वो जानता है। नॉमिनेशन में कालू को सीट दिलवाकर अपोजिशन क्लीन करने के लिए प्लान बनाया, तो फिर पहले उसे टपका देना चाहिए। है इलेक्शन होने तक किसी ने अगर चाकू हाथ में लिया ना तो याद रखना काट कर फेंक दूंगा। पकड़ लिया उनको, मार डाला। पुलिस के आने से पहले अंडरग्राउंड हो जाओ या मैं देख लूंगा। मार्क 134 डिग्री हॉरिजॉन्टल 40 mm डीप, मार्क 27 mm डीप एंड 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल, फर्स्ट मार्क इज टाइटली क्लोज टू द लीवर। थैंक यू मैडम। बुलेट दिल के पास से होकर गुजरी है, आई थिंक ही विल बी ओके। वो तो अच्छा हुआ कि ज्यादा खून नहीं बहा, नहीं तो खतरा हो सकता था। टेक केयर ऑफ हिम। हट! इतनी लापरवाही कैसे हुई तुमसे? तुम क्या कर रहे थे वहां? खा पीकर मस्त रहना, बस यही काम आता है तुम्हें। हराम खोर सबके सब, ये मेरे बाप को बोलना चाहिए था। इन सब पे भरोसा करके किसी गनमैन को नहीं रखा साथ में। जिन लोगों की उम्र हो चुकी है वो सब रिटायरमेंट लेकर घर चले जाएं। अपने बाप की रक्षा कैसे करनी है मैं देख लूंगा। क्या देख लेगा भाई तू? तुझे ये सब क्या पैसे से खरीदे हुए बॉडीगार्ड लगते हैं? आंखें खोल और देख इनको, मालिक के पैसे पर ऐश करने वाले गुंडे नहीं है ये लोग। पापा के पुराने जमाने के जिगरी है, दोस्त है उनके ये। अपना घर बार छोड़कर हमारी रक्षा में लगे रहते हैं ये सब। ये बदला दे रहा है तू इनकी अच्छाइयों का? हाँ इन्हें देख, तेरे साथ घूमने वाले चर्ची लड़के। बंद कर अपना ये फालतू का नाटक, बस बहुत हो गया, बस कर बस कर। और तू ऐसे क्यों असली बेटे की तरह तड़पा जा रहा है? उस बाप का असली बेटा मैं हूँ। चाहे राजनीति हो या फिर परिवार, मेरे बाप है तू, समझ गया ना? ए! असली और नकली का फैसला करने के लिए वक्त मुनासिब नहीं है।
मैं वरना अभी तुझे बता देता कि मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं तो क्या करेगा, क्या करेगा, हाँ क्या करेगा तू, बोलना क्या करेगा। तू जिस भाई को नहीं जानता वो हूँ मैं, और ये जलन आज या कल पैदा नहीं हुई है, बचपन से ही थोड़ी थोड़ी करके दिमाग में घुसे जलन है ये। अगर दम है तो सामना कर, नहीं तो भाग जा। चलो बे। कैसे है बाबा? यमलोक से लौट कर आ रहा हूं, लगता है जैसे बिना मांगे मुराद पूरी हो गई। इस इलेक्शन में लोगों की सिंपथी हमें जरूर मिलेगी। मेरे साथ चलोगे ना? अब से मेरी जगह तुम रहोगे ना? मैं तैयार नहीं हूं। आप नॉमिनेशन पेपर भर दीजिए बाबा, बाकी मैं देख लूंगा। ये क्या है? मंडल ऑफिस ले जाने के लिए कहा था, तुम तो भूत बंगले में लेकर आ गए हो। आप टेंशन मत लीजिए, बस एक मिनट, इन्हें दारू मिल गई है लगता है। ओए, नॉमिनेशन का टाइम हो गया रे। नॉमिनेशन के बाद दोबारा दारू दिलवा दूंगा, चलो उठो रे। नॉमिनेशन का टाइम हो रहा है, चलो उठो बे। ओ शटर को खोलो रे। अरे यार नॉमिनेशन का टाइम हो रहा है, उठो यार। ए, ऐसे क्यों पड़े हो? उठो रे, उठो। क्यों परेशान हो रहे हो? अगले दो घंटे तुम्हारा राहु काल चल रहा है। इस तरह के कामों में जाने से पहले ये सब देख लेना चाहिए कि वक्त अच्छा है कि नहीं। नॉमिनेशन तो अब अगले इलेक्शन में देखेंगे। एक काम करो, ये बियर पियो और मजे करो। ये हमारे ग्रुप में कहां से आ गया? अभी तक आपके समझ में नहीं आया? ये ग्रुप ही इसका है, इसीलिए 25 साल से हाथ में झंडा लेकर यूं ही घूम रहे हो। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, विपक्ष में खड़ा होने वाला कोई भी बेवकूफ आखिरी समय तक नॉमिनेशन क्यों रोक कर रखेगा? यात्रा के समय रास्ते में आप शगुन हो जाए तो उसका रास्ता क्या निकालोगे? क्या निकालोगे रास्ता बताओ? ओए ओए, ये सब क्या है, क्या है ये सब? मेरी खातिर उठ जाओ रे, कम से कम मुझे नॉमिनेशन तो भरने दो। सबको एक एक हेलीकॉप्टर दूंगा, मैं सच कह रहा हूँ। हाँ। मेरे लड़के बिकाऊ नहीं है कालू। ठाकुर? हाँ हाँ, वो कालू ठाकुर। पता नहीं तुमसे मजाक करने में बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन हाँ, नॉमिनेशन भरे बिना 6 करोड़ खर्च करने वाले एक निर्दलीय नेता का खिताब तो पाई लिया है तुमने। ये देखो, इस इलेक्शन में इसे ही 10 करोड़ समझ लो। जब दर्द नहीं था सीने में तो खास मजा था जीने में। अरे धत, ये कल का पैदा हुआ लड़का मुझसे मजाक करता है। अबे ओए मेरे साले, तू भी उसके साथ घुल गया। इतने बड़े जाल में फंसने के बाद हम कर भी क्या सकते हैं जीजा जी। ओए जीजा जी के सहानुभूति के नाम पर खाते करे। तुझे तो मैं बताता हूँ, छेड़ जा। लोकनाथ जी जिंदाबाद, 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 लोकनाथ जी जिंदाबाद। काम हो गया, कालू ठाकुर को छोड़ दीजिए भाई। बीच में छोड़ना पड़ेगा, खेल झंडू हो गया है। तेरी जात का, इधर इनकी जिंदगी झंडू हो गई है, तू खेल को झंडू कर रहा है। अपनी चोट बंद रख। जीजा जी मेरी बात सुनिए। जीजा जी ये क्या है भाई, सब लोग जीजा जी की परिक्रमा कर रहे हो, जनाजा उठाओगे क्या? अरे पागल, ये सब तेरी वजह से हुआ है। पूरे भरोसे के साथ करोड़ों रुपए खर्च करने वाले इस महान आदमी को हम खाली हाथ कैसे भेज सकते हैं? Lord Jesus,
है तुम पर। तूने तो बिना नॉमिनेशन के ही मेरी नाक यहाँ पर कटवा कर रख दी। अब उसकी जीत हो गई और तू हार गया। ये जब तक पैसा वापस नहीं कर देता तब तक इसे अपनी फैक्ट्री में ही रखो। ये क्या बात हुई यार, घोड़े की रेस में लोग करोड़ों हार जाते हैं तो क्या सब लोग घोड़े को पकड़ कर रखते हैं? पकड़ते नहीं, मारते हैं। क्योंकि मैंने घोड़े पर पैसा नहीं लगाया, गधे पर लगाया, गधे पर लगाया, गधे पर लगाया है। क्या देख रहे हैं? क्या देख रहा है? आजा आजा, मैं तेरे बाप से मिलने वाला था। आज के बाद से जब भी तू तेरा चेहरा देखेगा तो तुझे याद आएगा कि तूने क्या गलती की थी। आज से तेरा नाम पारसशाही नहीं है, एक्स मार्क पारसशाही है। ये बिहार का देसी बम है और ये जयपुर का पत्थर बम है। इसे अपने मुंह में रख और इसको अंदर डाल ले। अब आप लेट जाइए। लोकनाथ जी नमस्कार। 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 ये ला। ये सब किस लिए? अब तबीयत कैसी है, ठीक है ना? अरे राजनीति के भीष्म, उस जनरल सेक्रेटरी की बेवकूफी वाले कामों की वजह से मैं पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ, माफी मांगता हूँ। इसे अपने हाथ नहीं पैर समझ लीजिए। दोबारा आपको हमारी पार्टी में आना होगा। आना क्या होगा, आप आ गए बस। अब फोटो लो ना यार। मैं यही प्रेस के सामने वादा करता हूँ, इलेक्शन होने के बाद आप कैबिनेट में होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, अपनी तरफ से एडवांस उस कालू ठाकुर को निकाल कर आपके बेटे को यूथ प्रेसिडेंट का पद दे रहा हूँ। ठीक है। ओके, ओके। देखो पीके, आप विश्राम कीजिए, इस सीन में आपका कोई डायलॉग नहीं है, आप कुछ मत कहिए। अरे चलो यार, सब आराम करने दो, मौका मिलते ही चले आते हैं। चलो 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 चलो। डेमोक्रेटिक पार्टी यूथ प्रेसिडेंट मुन्ना जिंदाबाद। 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 यूथ प्रेसिडेंट मुन्ना उसका करियर तो सेटल कर दिया, अब मेरा क्या होगा? तुम्हें खुद सोचने के लिए कहा था। सोच लिया, मुझे आपकी गद्दी चाहिए। राजनीति पुश्तैनी नहीं होती, इंसान के अंदर होती है। जो नहीं हो सकता उसके पीछे वक्त बर्बाद मत करो। जाओ जाकर बिजनेस देखो या फिर फौरन जाकर पढ़ाई करो। मुझे पॉलिटिक्स के अलावा किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है। आपके ना कहने से ये इंटरेस्ट और बढ़ेगा। तो ट्राई कर लो, लेकिन मेरा सपोर्ट नहीं मिलेगा। ओए, मेरी बात मान, राजनीति तेरे बस की नहीं। आप शायद भूल रहे हैं, मैं 25 का हो चुका हूं, मतलब आदमी की एक्टिव लाइफ का आधा। मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं कर सकता मैं देख लूंगा। छोटे छोटे, खुशियों को बन के मसीहा तू, दूर करे दुख सबके है फरिश्ता तू। मिटा दे जो अंधेरे वो है सूरज तू, जीवन के रण में हो तो विजयी तू।
अपने बेटे को पीछे धकेल कर किसी और की पैदाइश को सर पर बैठाकर घूम रहा है बेलोकी हरामखोर कहीं का। आदमी को जीने के लिए धन दौलत ही नहीं, थोड़ा सा अटेंशन एम्बिशन भी चाहिए होता है। वो मुझसे ज्यादा प्यारा हो गया है तेरी तो। मेरे ही घर में मेरी जड़ उखाड़ कर मुझे अनाथ औलाद की तरह बाहर निकाल दिया उसने। इस समय तो माँ बाप को मारने वाले भी चैन से जी रहे हैं भाई। ये लोग भी ना बस सर गया तो पूछ, पूछ गई तो पैर पकड़कर घूमते रहते हैं। इसकी तो भाई अब एक कदम बढ़ाइए, हम 100 कदम उठाएंगे आपके साथ। We are not just friends, we are soldiers. जरा इधर तो है ना। मैं इस तरफ एक कदम बढ़ाने का सोच रहा हूँ। आएगा अरे यार चला ना भाई, मैं बढ़ाऊँ ना एक कदम। तू बढ़ा, तू बढ़ा, क्या कर रहा है? तू बढ़ा कदम, चल चल बढ़ाना, बढ़ा बढ़ाना, चल। इमरजेंसी लगती है, जल्दी आओ, चल साले। ये क्या है? तू है तुम सब पर, बस खाओ पियो और ऐश करो, बस यही आदत हो गई तुम सबकी। भागो सब यहाँ से। नारायण सब कमीनों को बाहर फेंक दो। अरे छोड़ ना यार, तू चल, ये खुद पीछे आएगा। अरे क्या हुआ? चिन्ना ऐसे क्यों होते जा रहे हो तुम? ना चाहते हुए भी पैदा किया था मुझे मेरी माँ ने, ना चाहने वाला बाप, चिढ़ने वाली बहन। तू किसी भी काम का नहीं है, बिना झिझक के कह दिया मेरे बाप ने मुझे। कितना बदनसीब इंसान हूं मैं, मरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है मेरे पास। प्लीज मेरे प्यार को समझो सुनैना, आई लव यू सुनैना। चिन्ना नहीं, चिन्ना मुझे छोड़ दो प्लीज। मेरी बात समझने की कोशिश करो सुनैना, मैं गलत नहीं, मैं तुमसे सच में शादी करूंगा, मैं शादी करूंगा सुनैना, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ सुनैना। मुझे समझने की कोशिश करो प्लीज, मुझे समझो, मैं गलत नहीं हूँ सुनैना। चिन्ना मेरी बात सुनो प्लीज, मैं तुमसे शादी करूंगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझसे डर क्यों रही हो? चिन्ना मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ, सच में प्यार करता हूँ सुनैना। मुझे गलत समझ लियो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत प्यार करता हूँ, मेरी बात सुनो। अंधेरे में आकाश को देखते हुए डर लग रहा है काका, इतने सारे तारों के होते हुए भी अंधेरा क्यों? अंधेरे को चिंगारी ही खत्म करती है। इंसान भी इस धरती में आने के बाद मरने तक चिंगारी की तरह जलते ही रहता है, भूख से जलता है, क्रोध से जलता है, इच्छा से, ईर्ष्या से जलता ही रहता है। उसी जलन से कुछ लोग सामना करके अपनी जलन पर जीत हासिल करते हैं, उसी जलन को ऊर्जा बनाकर, ध्यान लगाकर, दीपक बनकर मार्ग दिखाते हैं। चला 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 चला, क्या कर रहा है? मैं जल्दी कर रहा हूं, अरे तू सोना मत, रुक जा।
ठीक से गाड़ी चलाता है। अरे पागला। हे। कभी ने बोल रहा था साथी। इंजेक्शन दिया क्या? तूने जो दिया ना, वो उसी से मर जाएगी। बकवास दवाइयों को मिला मिला कर लेगा तो ऐसा ही होगा ना? अरे नहीं यार, ये मर्डर केस बन जाएगा। तो क्या अभी मर्डर केस से कुछ कम है क्या? ये चिंता। ये तो वैसे भी नहीं बचने वाली। और अगर बच गई तो ड्रग्स केस और रेप केस के चक्कर में सारे फंसेंगे। प्रतिज्ञा के केस की तरह। प्रतिज्ञा के केस में तेरा भी हाथ था क्या? तू कुछ नहीं जाता। मैं पागल नहीं का। अरे मारता क्यों? मेरी बात तो सुनिया। चुप कर। अगर चलकर राग हो गई तो हमारे बचने का 50-50 चांस है। चुप कर। चिन्ना तेरी बात सुन, उसकी बात मत मान, वरना 100% हमारी तो लगने वाली है। चिन्ना तेरी बात सुन। पुलिस कमरे जाने की वैन चोरी हो गई है, तब तक मैं संभालता हूँ। चलो निकले, काम करेंगे। जाना वो चिंगारी तुम में भी जल रही है, इसलिए लोग तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। उनके नजरिए को बचाए रखोगे, फर्ज समझकर दीपक की तरह जलोगे, ये तो तुम्हारे हाथों में है। मुंबई के आउटस्कर्ट्स एरिया में पुलिस को एक अज्ञात शव मिला। इस शव के 10 फुट की दूरी पर एक टाटा सुमो जलती हुई पड़ी थी। ये घटना आधी रात के बाद हुई होगी, ऐसा यहाँ के लोकल लोगों का कहना है। कैमरामैन राम के साथ शिवानी। मेरा लेफ्ट फेस थोड़ा खराब आता है, इसलिए आप लोग कैमरा जरा राइट में ले लीजिए प्लीज। इस युवती के साथ जिन लोगों ने भी गलत हरकत की है, मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। उन्हें कटघरे तक ला कर रहूंगा मैं। कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। सुमो का रजिस्ट्रेशन एमएलए के बेटे के नाम पर है सर। अपने एमएलए? सर ये सीधा साधा मर्डर केस है या रेप एंड मर्डर केस? क्यों भाई, हटे हुए कपड़ों में एक लड़की अगर सड़क के किनारे पड़ी मिले तो तुम लोगों को रेप और मर्डर के अलावा कुछ नहीं सोचता क्या? ऐसा लगता है पोस्टर देखकर फिल्म का रिव्यू लिख रहा है। चल यहाँ से। सर सर एक पंगा हो गया है, अर्जेंटली आपसे मिलना है। क्या हुआ जी? चिन्ना को क्या हुआ? उसे कुछ नहीं हुआ, उसकी वजह से जो होगा वो हमें होगा। जाकर ढूंढो साहबजादे हैं कहाँ। उसकी आंखों में देख लिया था कि ये कोई गड़बड़ जरूर करेगा। मेरे यहां आने तक बॉडी पोस्टमार्टम पे पहुंच चुकी थी सर, वरना मैं उसे अपनी हिरासत में ले लेता। लड़की कौन थी? बॉडी हॉस्पिटल में पड़ी है सर। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो पोस्टमार्टम मत कीजिए मैडम, दुनिया भर की गंदगी हम यही साफ करते हैं। अगर हम अपने दिल की सोचने लगे तो ऐसे काम नहीं कर पाएंगे, समझी?
आपकी रिपोर्ट में मेरी लाइफ है दीदी। तू था? नहीं 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 दीदी, दीदी 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 मेरी बात सुनो दीदी, रख दो इसे, मेरी जिंदगी का सवाल है दीदी, कसम से दीदी मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं तो उसे बहुत पसंद करता था, वो नशे में हो गया दीदी, हमने उसे बचाने की बहुत कोशिश की दीदी पर बचा नहीं पाए दीदी, प्लीज दीदी मेरी जिंदगी आपके हाथों में है दीदी, प्लीज दीदी ट्रक की वजह से बह गया था, मुझे बचा लो दीदी, प्लीज दीदी हम दोनों एक ही माँ के बच्चे हैं ना। अब तुम्हें मेरी आंखों में माँ नजर आ रही है हम दोनों की, पापी इंसान, तू राक्षस है, तू इंसान नहीं है, तूने ऐसे किया कैसे? हाँ चला जा मेरी नजरों के सामने, जा, किया कैसे ऐसे तूने? चला जा यहाँ से, चला जा यहाँ से। तू नहीं मानेगी, तू तो बचपन से ही ऐसी है, मैं तो तुझे पसंद ही नहीं था ना, अब चांस मिल गया है तो मुझे बर्बाद करके ही छोड़ेगी, आखिर मैं भी तो तुम्हारा ही भाई हूँ, मेरे जेल जाने के बाद वो लड़की जिंदा वापस आ जाएगी क्या? मेरा बैठक दुनिया भर के अस्पताल में, लेकिन तुम्हारे हाथों में आकर फंस गया मैं, फंस गया, फंस गया, फंस गया मैं। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्यों मुझे राजनीति से दूर कर रहे हो? क्यों? क्यों? ले जाओ उसे यहाँ से। बड़ा, बड़ा। चल बाहर, चल किसका? मेरी बेटी के साथ तूने ऐसा काम किया जो किया, इतने दिनों तक तुम्हारे बाप के पास गुलाम की तरह काम करता रहा हूँ मैं, मेरे बाप के गुलाम हो, मेरे गुलाम नहीं हो, मेरे पास बताना, मार डालूंगा सबको, पास बताना मेरे, क्या कर रहे हो? लेके चलो चिन्ना, चिन्ना पागल हो गया क्या, ये क्या कर रहा है, पागल हो गया, चलिए पागल हो गया, चलो अंदर। नमस्ते लोगू, एक्स मार्क पाराशाही हूँ, सेकंड इनिंग्स एंट्री, तेरे बेटे ने रेप तो सिर्फ अकेले किया, मर्डर में मेरे बेटे को शामिल कर दिया। आपके बेटे को बचाने का एक आइडिया है सर, छोटे की जगह बड़े का नाम आ जाए तो बिना कंफ्यूजन के केस डाइवर्ट कर सकते हैं, सोमो रजिस्ट्रेशन भी बड़े बेटे के नाम पर है। गोरख, इससे पहले कि मेरे हाथ में मेरी चप्पल आए तुम दोनों यहां से दफा हो जाओ। आईने में जब जब क्रॉस का निशान देखता हूँ तब तब तेरे बड़े बेटे की ही याद आती है, जब तक हिसाब चुकता नहीं कर दूंगा। आईने में शक्ल देखने पर शर्माती रहेगी। कृति महो तथोत्पन्न करी फलमा कृता गति निरोधकम्। पापात्मा को शरीर जरूर दिया मैंने, लेकिन उसके पाप को नहीं पाला, दोनों तरफ से नुकसान मेरा ही हुआ है, मुश्किल में पड़ने वाला मेरा बच्चा है, मुश्किल देने वाला भी मेरा बच्चा है। बादशाह सिर्फ मेरा आदमी नहीं था, मेरा हमदर्द भी था। आज इसी वक्त से मेरे परछाई तक का एक ही असली वारिस है। इस आदमी ने पैसा भले ही ना कमाया हो, लेकिन धर्मशास्त्र में इतना सब कुछ कैसे कमा लिया? हाँ,
मांस और दारू का सेवन लिमिट में किया होगा जीजा जी। लेकिन आपको बहुत देर हो रही है जीजा जी, आप ठूस लीजिए। सुबह सुबह नाश्ते में एक दर्जन मुर्गा चाहिए और पानी की जगह 5 लीटर दारू, ऊपर से धर्म की बात कर रहा है। हटिए हटिए, रास्ता छोड़िए, रास्ता छोड़िए। सर, 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 सर एक ही सवाल है सर, अभी अभी पुलिस ने बताया है कि सुमो गाड़ी मुन्ना के नाम पर है, मतलब बात पब्लिक में जाने से पहले सबूत बीच में मिटाने की कोशिश की गई। कोई कुछ भी कर ले, लेकिन मंडे को सच सामने आ जाएगा। लेकिन सर बात पब्लिक में फैल चुकी है, इसलिए इलेक्शन को बचाने के लिए ये एक तरह का ड्रामा है, ठीक है ना? हमारे देश में इलेक्शन एक ड्रामा है, जनता महानायक है। ड्रामा और सच्चाई में अंतर हमसे ज्यादा वो जानती है। अब तुम्हारी समझ में जो आए वो लिख दो। हटिए हटिए रास्ते से, हटिए। हाय 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 हाय, सगे बेटे को जेल में रखकर सौतेले बेटे का राज्याभिषेक मैंने फिल्मों के अलावा कहीं नहीं देखा। सोचता हूं तो पेट में आग लगने लगती है। इसका पापा इलेक्शन ड्रामा में बहुत बिजी है यार, उसके भरोसे ये बचने वाला नहीं है। बेल पेपर्स तुम रेडी कर दो, मैं साइन करता हूं। बादशाह कैसा है? मुझे कुछ पता नहीं पापा, वो अस्पताल में नहीं थे। बादशाह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा उसे। 47 साल से साथ रहकर भरोसा बनाया था, एक ही झटके में मेरे सारे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। अगर चिन्ना को बचाना है तो बादशाह को खोना होगा सर। आदमी को बचने या बचाने के लिए कत्ल करना ही कोई रास्ता नहीं है। आप जाकर अपना काम करिए। नमस्ते सर। चिन्ना कहाँ है? उन्हें तो कल ही पारसी बेल पर छुड़वा ले गए सर। वो कौन होता है ले जाने वाला? उसे ले जाने क्यों दिया? क्या सर, आपकी फैमिली ड्रामा की वजह मैं तो हूँ नहीं। उन्होंने आकर साइन किया और अपने साथ लेकर चले गए, आप मुझसे झगड़ा क्यों कर रहे हैं? एमएलए का बेटा है ना, कुछ भी करेगा, पुलिस को मारेगा, मर्डर भी करेगा। ताकत दिखाते हैं ना अपनी। सॉरी भाई। नाम बुरा हो लेकिन छोटे से गैप में मारने की जरूरत करें, इतने बुरे आदमी नहीं हैं। वैसे लोग तो हमें बुरा बोलते ही हैं। अगर तुम्हारे पापा की जान गई तो सबसे ज्यादा फायदा पता है किसे मिलेगा? प्लान के हिसाब से तुम्हारे सौतेले भाई को ठीक नॉमिनेशन के एक दिन पहले निशाना लगाया उसने। वाह वाह वाह, जरा से झटके से एमएलए बन गया होता अभी तक। इस तरह के मारने की प्लानिंग मैंने टीवी सीरियल में भी नहीं देखी। जगह मिल क्या गई तो हारने के डर की वजह से तुम्हारी जिंदगी को मिट्टी में मिला दी उसने। तुम्हें खड़ा करने के लिए मैं अपना सहारा दूंगा। लेकिन तुम्हारी दीदी ने जो रिपोर्ट लिखी है उसने बड़ा हंगामा कर रखा है। ये केस खत्म भी हो जाए तो वो बच जाता है। वो अगर लीडर बन गया तो तुम मुन्ना की जगह मुन्ना की जय कहकर उसके पैरों पर गिरे पड़े रहोगे। बस आज के लिए 3-4 पैक पी लो और चैन की नींद सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। चुनाव की ताजी रिपोर्ट के साथ में हमारे टीवी के एग्जिट पोल में नियुक्त एमएलए अपनी राष्ट्र पार्टी में आगे चलते हुए भी अपने क्षेत्र में 12 वोट से पीछे हैं। पिछले 4 साल से लगातार विजय हासिल करने वाले भीष्म इस बार जीत हासिल नहीं कर पाएंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। नगर में हाल ही में हुए हादसे की वजह से ऐसा हुआ ये माना जा रहा है। चुनाव की ताजी रिपोर्ट के साथ हम आपके साथ रहेंगे हर घंटे। छोटी सी मार से झटका खा बैठे लोकनाथ।
अपने छोटे बेटे की खबर सुनी? तुम्हारे लाडले बेटे को जेल से निकालकर अपनी गोद में बैठा लिया है। मेंटली बहुत डिस्टर्ब है बेचारा, थोड़ा सा बिगड़ जाए तो दिखने वाले हर किसी को काट खाएगा, तुम्हारे पालतू कुत्ते की तरह। देखो बात सुनो, मैं हमेशा रूलिंग पार्टी का ही आदमी रहा, इस बार तुम्हारी पार्टी का रूलिंग में आना मुश्किल है। अभी के हिसाब से देखा जाए तो तुम्हारी हार से जीत में ही मुझे फायदा है। अब तो नाश्ते पर आ जाओ, अपनी ताकत और पैसे को छोड़कर परिस्थिति को हिसाब से बदल दूंगा। तुम्हारी कुर्सी की कसम। बादशाह गाड़ी निकालो। बादशाह सर। वो रहा, पकड़ो उसे। अबे पिस्तौल नीचे कर, यहां गोली चलाएगा तो जातिवाद का झगड़ा हो जाएगा। कहां जाएगा ये बचकर, कब तक रहेगा इसके अंदर? वो गन अंदर रख ले। हजारों का खर्चा हो रहा है भाई, अगर हमें नहीं करना है तो हाथ पीछे खींच लेते हैं, कम से कम रुपया बर्बाद होने से तो बचेगा। मतलब गलत राह पर भटकने से राजनीति नहीं होती है भाई। तो अब तक कैसे होती थी? ये इलेक्शन अलग तरह का है भाई। हमारी तरफ कितने वोटर्स हैं? ज्यादा से ज्यादा 3 लाख होंगे। उनमें से बूथ आने वाले कितने हैं? कुछ 2 लाख के लगभग होंगे। बचे लाख में से हमारे 30 भी नहीं होंगे क्या? हो सकते हैं। उन सब लोगों को पेट भर खाना खिलाकर बूथ तक लेकर आओ, जाओ। आप भी कैसी बात करते हैं भाई, ये सब बेकार की राजनीति लगती है। मुंह बंद करो, अगर नहीं कर सकते तो घर जाकर सो जाओ, मेरे सामने ये सब फालतू बातें मत करो। मुझे पसंद नहीं, ऐसे लोगों के लिए मेरे पास जगह नहीं। ऐसी बातें दोबारा मत कीजिएगा भाई, पिछले इलेक्शन में पार्टी पूरी तरह से हार चुकी थी, तब भी लाख वोटों की मेजोरिटी से जीते थे हम। ये इलेक्शन अलग तरह का है भाई, हमारे किए सारे अच्छे कामों को भूल गए हैं लोग। उस चिन्ना की बेकार की हरकत के अलावा कुछ याद नहीं है उन्हें। इलेक्शन में अगर हम हार गए तो मर जाएंगे भाई। हम मर जाएंगे भाई, मर जाएंगे। दुर्गा, दुर्गा, हिम्मत वाले लड़ते हैं, घबराते नहीं। एक वीर हो तुम, हम लड़ेंगे और जीतेंगे, याद रखना। बैठे बैठे मुन्ना, बाहर कुछ लोग मिलने के लिए आए हैं, जाकर मिल लो। बचे हुई कैंपेनिंग मुझ पर छोड़ दो, जाओ। धर्मा, दुर्गा। जी साहब। तुम्हारे हाथ में कितने वोटर्स हैं? ज्यादा से ज्यादा 25,000। ये काफी रहेंगे। हार से डरने की इतनी जरूरत नहीं है पापा। राजनीति शेर की सवारी जैसी होती है, उतरने के बाद दोबारा नहीं चढ़ सकते, जान भी नहीं बचेगी।
एमएलए चुनाव नतीजों में लोकनाथ और पार्थ सारथी के बीच कांटे का मुकाबला हो रहा है। इनमें से जीत किसकी होगी, इस बात का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। इस बार भी जीतने के लिए लोकनाथ कई तरह की कोशिशें कर रहे हैं, ऐसी हमें खबर मिल रही है। आज शाम देश भर में काउंटिंग शुरू की जाएगी, कल सुबह तक रिजल्ट सामने आ जाएंगे। ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जिस तरह से बीते कुछ दिनों में लोकनाथ जी की क्या भाई, जीजा ने बेंज खरीदी है क्या? पता नहीं, लगता है दहेज बहुत लेट मिला है। यू इंस्टॉलमेंट इंडियंस, मैं ही राजा, मैं ही महाराजा और मैं ही रंक। आई नो यू आर बेंज, मर्सिडीज बेंज। समझ में नहीं आता ये बेंज वाले इतने घमंडी क्यों होते हैं, क्या बाकी लोग इंसान नहीं होते? सब पुलकेट्स। मैं ही राजा, मैं ही रंग। ए सुनो यार, मुझे लगता है कि अंदर खतरा है, हम अंदर जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। चलना यार, चल निकल, चलते हैं। अबे अगर तेरे जैसा जिंदा हो तो दूसरे दुश्मन की क्या जरूरत है? तुम्हें क्या हुआ, सुबह सुबह स्कूल जाने की जगह यहाँ क्यों बैठे हो? क्यों भाई, तुम लोगों पर भी हमला हुआ? मामा जी, रानी से शादी करने के लिए अमेरिका से कोई गोरा आया है घर में। क्या कहा? निकल गई हवा। दीदी, किससे पूछकर लड़की देखने वालों को बुलाया आपने? बचपन से आपका भाई उसके पीछे पड़ा, ये याद नहीं रहा आपको? अरे वो लोग सुन लेंगे ना। सुने दो, मेरा क्या जाता है, और यही तो मैं चाहता हूँ। यू आर सो नाइस, भगवान ने तुमको बहुत फुर्सत से बनाया है। थैंक यू वेरी मच। ये क्या है दीदी, फॉरेन से आया ये तो ठीक है, लेकिन ये तो है भी फिरंग। उसके पापा दिल्ली के हैं, माँ अमेरिका की है, उसके मामा लोग इसकी शादी अमेरिका में करवाना चाहते हैं। क्लाइमैक्स में दोनों एक हो जाएंगे। ये लो फ्रूट केक। ए तुम लोग जाकर खेलो, लंगड़ी टांग खेलो, लंगड़ी 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 टांग खेलो। कहीं रानी उसे पसंद आ गई तो? गोरा रंग होना हमारी बंदरिया की पसंद नहीं है ना, जाने के बाद खुद ही भाग जाएगा। ले तुम छोड़ो, ले जा। अरे ये कहां से आ गया यहाँ? हेलो जॉन, इन बातों का बुरा नहीं मानेगा, राइट जॉन? राइट, आई एम फुल ऑफ लव। तुम्हें गोरा पसंद आ गया क्या? मैंने इनके बारे में बताया था ना मुन्ना। हे नाइस टू मीट यू मैन, माय नेम इज जॉन मेयर, गॉड ब्लेस यू, मैं घोरी चमड़ी वाला हिंदुस्तानी। या आई एम मुन्ना, प्रॉपर वी आर फ्रॉम विजयनगर। गोलियों का काम है इनका। ओह या, आई नो आपका जॉब बहुत टफ है। वेरी टफ, डेडलाइन भी रहती है और रोज की एक फाइट, मर्डर और महीने में एक रेप, नहीं करे तो वीक हो जाते। तो आप एक बार हमारे प्रभु के सामने आइए, अपना मैसेज सुनाइए। हाँ हाँ हाँ, जरूर जरूर आऊंगा, पर वो अभी पिक्चर जाना है बच्चों के साथ, तो अब क्या जाए हम? उसने क्या गलती की थी यार, बेचारे को अवॉइड कर दिया। उसने तो कोई गलती नहीं की, तुम्हें प्यार करने की गलती करके मैं बकरा बन गया हूँ बलि का। मामा जी आप तो गए। कहाँ गया? आपने पहले ही आई लव यू बोल दिया, आप तो हार गए मामा जी। फिर एक गाना। तेरे बिना तन्हा मैं था, मिला जो तुझे तो ये लगा जैसे प्यार का रोग लगा। आसमान में है उड़ने मैं लगा, तू प्यार मेरा तुझसे मेरी जिंदगी, ख्वाबों में है मेरे तेरा ही चेहरा, यादों पे भी मेरी तेरा ही पहरा, दिल पे मेरे तेरा जादू चल गया, पहली नजर में ही प्यार हो गया, चाहा था जैसा दिल ने वैसा साथ ही मिल गया। तेरे बिना तन्हा मैं था, मिला जो तुझे तो ये लगा जैसे प्यार का रोग लगा। आसमान में है उड़ने मैं लगा। मुझे जिसकी तलाश थी, हर पल मेरे जो दिल के पास थी, एक तेरे बिना थी उदास ये जिंदगी, तू जो मिला है मिली हर खुशी, सपने हुए पूरे मेरे,
से मिला। वादा है मेरा रहूंगा तेरा, दिल में रहना तू मेरे सदा। तेरे बिना तन्हा मैं था, मिला जो तुझे तो ये लगा जैसे प्यार का रोग लगा। आसमान में है उड़ने मैं लगा, तेरे बिना मैं इस दुनिया में अकेला हूं। मेरी माँ बचपन में ही मर गई थी। आप लोगों का प्यार देखकर मैं यहीं रुक गया। आता हूं सर। मैं यहां किसी गलत इरादे से नहीं आया था, बल्कि एक अच्छा काम करने के लिए आया था। तू बाथरूम में पहुंच, मैं पीछे से आता हूं। सामान मेरे पास है। अब मुझे आप जो भी सजा देंगे मंजूर होगी है। आप चाहें तो मौत की सजा दे दीजिए, मैं कुछ नहीं कहूंगा। सुनिए भाई साहब। कैसे हो जीजा? क्या चाहिए तुम्हें? दीदी की याद आ गई थी तो मिलने चला आया। संडे इवनिंग मना रहे हो, सभी को बाहर भेजकर तुम लोग अकेले में खूब मजे कर रहे हो। बाहर निकलो, तुमसे कह रहा हूं बाहर निकलो, बाहर निकल कमीने। जल्दी फोन उठाओ। क्या जीजा, तुम भी ना इस सिचुएशन में अब तुम भी इस तरह से बात करोगे मुझसे? तुम तो साइकियाट्रिस्ट हो ना, मुझे पेशेंट की तरह ट्रीट करना चाहिए, ठीक है ना? हेलो दीदी, 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 क्यों रे, बच गया तू? चन्ना, क्या हुआ मुन्ना? चन्ना, तू अब सुन, अगले 5 मिनट में तेरी दीदी और तेरी अनाथ चीजा को टपका दूंगा, इस बार मिस नहीं होगा। ए चिन्ना, दीदी को कुछ नहीं करना। चिन्ना, बचपन से ही मेरे दिल में एक नासूर था जीजा, जिसके बढ़ने से सेप्टिक हो गया और वो मेरे कैरेक्टर को ही खा गया, इसलिए ट्रीटमेंट के लिए यहाँ चलाया। तुम किसी एक्शन करने वाली फैमिली से तो हो नहीं, दिखाओ वो, बैठ दो मुझे, मैं ट्रेनिंग देता हूँ, दो ना जीजा। चुन्ना, दीदी को कुछ नहीं करना। ये क्या कर दिया तूने? क्या कर दिया ये तूने? सुजीत, चुन्ना, कुछ मत करना, सुन चुन्ना। एक माँ के ही बेटे हो ना तू। अच्छा, और मेरी भी प्रॉब्लम यही है, इसलिए तुम दोनों मुझे परेशान किए बिना सोते नहीं हो। मुझे काला पानी भेजकर अपने भाई का राज्याभिषेक करवाना चाहती है तू? बस कर, अब तक जो तूने किया बस कर, मेरे बच्चों के लिए हमें जिंदा रहने दे। अरे चिन्ना प्लीज छोड़ दे यार। मैं चाहे 1 करूं या 100 करूं, कैरेक्टर तो एक ही रहेगा ना। इस जन्म में मैंने यही अवतार लिया है। इंसान का चरित्र ही भाई भाई के झगड़ों की वजह बना है। युग बदल गए, हथियार बदल गए, लेकिन युद्ध वही रह गया। चन्ना, वो हमारा भाई नहीं है, जाइए उसे।
मम्मी हम गारंटी से रिकाउंटिंग में जीत जाएंगे। किसी एजेंट को अंदर नहीं जाने दिया था। आप एक बार कलेक्टर से बात करके देखिए। मुन्ना कहाँ है? सुबह से ही मैं फोन ट्राई कर रहा हूँ, कनेक्ट नहीं हो रहा है। इस वक्त सब काउंटिंग में लगे हुए हैं। सच्चाई अब सामने आने ही वाली है दुर्गा। मुन्ना पर अटैक हुआ है साहब, किसने किया ये पता नहीं चला है, लेकिन सांप बच गए हैं। कहाँ? अलंकार थिएटर, 500 लोगों के बीच 12 खतरनाक लड़के भेजे थे मैंने। तुम्हारा लाडला बेटा इतनी आसानी से नहीं मरने वाला पापा, बच गया। आप ऐसे काम क्यों रहे हैं? अभी तक तो मैंने आपकी बेटी और दामाद के मरने की बात बताई भी नहीं। ये मेरा बेटा है या नहीं यही देख रहे हो ना? देखो अपने पैदा किए हुए शैतान को, देखो सौतेले बेटे के सामने अपने सगे कसाई बेटे को, देखो सगे बेटे की जगह सौतेले को सहारा दिया, अब क्या बचा ये भी देख लो। ए, तू क्या जानता है अपने बाप के बारे में बेहुदा कहीं का? बोल। देख देख तेरे लिए इकट्ठा किए दौलत पैसा डॉलर को देख। तेरी करनी की वजह से 25 साल के इस राजनीतिक जीवन को मैंने उस पारसशाही के पास गिरवी रखा है, किस लिए? किस लिए? बोल, बोल। अंतरात्मा को कुचल कर उस बादशाह पर पुलिस के कुत्ते लगवाए, किस लिए? राजनीति में आकर तू क्या कर लेगा पागल? हत्या, खून खराबा, लूट, ये तेरे किस काम के हैं? ये सब बोझ मैंने इसलिए उसके कंधों पर डाला था कि मेरी दौलत को भोग सिर्फ सिर्फ तू ही करे, खुशी से जिए तू। अब उसके हाथों से तुझे मैं कैसे बचाऊं? इस साल की सर्विस में ना जाने कितने लोगों की चर्बी झाड़ी है मैंने। तू मेरे सामने क्या है बे? गोरख, ये भी मेरा बेटा है, ये मत भूलना। बेटे जैसा है। अब तक जो मैंने देखा है उसे देखकर मेरा सिर फटा जा रहा है।
इस खून खराबे को यहीं रोक दे। बहन का बदला नहीं लिया तो भाई गुनहगार हो जाएगा। तो फिर सुन ले, चाहे कुछ भी हो जाए, बाप होने के नाते बेटे को बचाना मेरा धर्म है। मैंने तो हमेशा आपको ही अपना पिता माना है पापा। अगर अपने बेटे को बचाना है तो मुझे अभी यही मार डालो। भाई, मुल्ला भाई, भाई, ये क्या हो गया? जल्दी करो, चलो चलो। राज्य के रामपुर जिले के एमएलए पद के लिए जो चुनाव हुए थे उनके नतीजों की एक बार फिर से रिकाउंटिंग हुई है। वर्तमान एमएलए लोकनाथ ने अपने विपक्षी नेता पार्थ सारथी को 32 वोटों से हरा दिया है। धोखाधड़ी है, ये सब गुंडागर्दी नहीं चलेगी, मनमानी नहीं चलेगी। पहली बार काउंटिंग सही थी, उसमें भी करप्शन किया गया, लोगों को पैसे खिलाए गए, ये धोखा है, सरासर धोखा है। हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। वो सत्ता में है तो मनमानी करेंगे, धमका कर पैसा फेंक कर रिजल्ट अपनी तरफ कर लिया, ये नहीं चलेगा। इसके विरोध में हम पूरे राज्य को बंद रखेंगे। लोकनाथ जी जिंदाबाद, 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 लोकनाथ जी जिंदाबाद। इलेक्शन में जीतने के बाद तेरी फितरत बदल गई क्या? तू है तेरी जिंदगी पर। चुप कर, निकल यहाँ से। बड़ा आया उपदेश देने वाला। कांग्रेट सर, कर दिखाया आपने। ये लो, तुम्हारी एजुकेशन कम हो गई सुना है मैंने। तुम इन कॉलेज के प्रपोजल की बागडोर संभालो, उस ग्रेनाइट भूमि का पंगा मैं देख लूंगा। बेटा सेफ है सर, कहाँ है ये शाही जी भी नहीं जानते, लेकिन कहीं ना कहीं बदला पीछा करता हुआ आएगा ही सर। उससे अच्छा होगा कि हम लोग ही पहल कर लें। क्यों भाई, ये अपने सगे बेटे को उखाड़ देंगे? इतने बड़े कसाई नजर आते हैं तुम्हें ये? चुप कर। सेप्टिक हुआ तो उंगली नहीं सर, हाथ भी काटना पड़ता है। ए, जरा कार रोको। काम का बंदा है पर इसे गले में लटका कर मत घूमो। जानता हूं अपने घर में उजाला चाहते हो, पर मेरे घर का दीपक नहीं बुझना चाहिए। घोटाला और हत्या का इल्जाम लगाया हमारे ऊपर, खून करने वाला वहां क्लब में बैठकर वोडका पी रहा है। तुम्हारे लिए सर काटने के लिए और कटवाने के लिए तैयार खड़े हैं हम लोग। लोकनाथ के घर में जब तक वो बेटा जिंदा है तब तक ये बेटा शत्रु ही रहेगा। अनजाने में तुम कुरुक्षेत्र में पड़ गए हो, अब मरना होगा या फिर मारना होगा, दो ही रास्ते बचे हैं। चलो सब लोग। कर ले प्यार तू, कर ले प्यार तू, कर ले प्यार तू, कर ले
कैसी, प्यार बिना क्या जीना यारे, प्यार बिना जीना क्या है रे। कर ले प्यार तू, 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 कर ले प्यार तू। प्यार का कर ले यहाँ तू, पूरी कर ले दिल की आरज़ू, देख ले जन्नत आज यहाँ तू, तू युद्ध करे ना वो राजा कैसा, पाप करे वो इंसान कैसा, चलता यहाँ पे राज मेरा, सबके दिलों में प्यार मेरा। शिव भी मैं हूँ, 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 शिव भी मैं हूँ। तेरे खून से अपना राज ले करूंगा। ये तू क्या किया तूने? अपनी बहन को मार डाला?
किया तूने? ये क्या किया? नहीं छोड़ूंगा तुझे। ये क्या किया? क्या किया ये? जानता है तू परिवार क्या होता है? दीदी को मारा तूने? दीदी को मारा? बच्चों को अपराध किया तूने? नहीं छोड़ूंगा तुझे आज। आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू मुझे मार डालेगा? दम है तुझमें? हाँ। तू अगर ये चाहता है तो आज तुझे मैं मार ही दूंगा। अगर कुर्सी चाहिए तो मरने या मारने के लिए तैयार रहना चाहिए। मार दे, मार। अपने अंदर के मर्द को बाहर आने दे। हाथ नीचे क्यों कर रहा है बे? भाई नजर आ गया? तू नहीं मार सकता। ओए, तू मुझे नहीं मार सकता क्योंकि मैं तुझे मारूंगा। संभाल के चलिए, लेके चलिए। छोटे तो नहीं है ना? मेरा वारिस ही चला गया। अब जिंदगी किस काम की भगवान? बादशाह ने मारा है ना? बादशाह नहीं सर, देखो तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को क्या किया। तुम्हारे परिवार को मैंने अपनी पूरी जिंदगी दे दी, मुझे क्या मिला है देख लो। लोगों के लिए मैं जिया, साथी के लिए जिया, लेकिन आखिर में अपने बेटे के लिए नहीं जी पाया मैं। हे भगवान। रिश्ते टूटे अपने सारे छूटे। जब तक दिल में सुकून था तब तक मैंने
परिवार को संभाला। जब तक लाडला बेटा जिंदा था तब तक मैं एक बाप था। अब जब सिर्फ अंधेरा रह गया है मैं एक घायल शेर हो गया हूं। इतने दिनों तक एक नेता के साथ रहकर हमने धोखा खाया, लेकिन हमें एक वफादार नेता चाहिए, अच्छा बुरा समझने वाला एक सच्चा इंसान चाहिए। सर 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 रुकिए सर, अंदर मत जाइए सर। अरे हम कोई यहाँ नए हैं क्या? साहब की तबीयत ठीक नहीं है सर, हफ्ते भर से किसी से नहीं मिल रहे हैं। तो फिर ऐसे ही मरने दें उसे, उस पर मैंने बहुत खर्च किए हैं। चलो सर, आपकी मर्जी सर, अंदर तो जा रहे हैं, बाहर आएंगे या नहीं मैं नहीं जानता। ओए 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 दरवाजा बंद करो, आंखें जल रही हैं। अगले हफ्ते या 10 दिनों में मंत्री की तरफ यात्रा शुरू करनी चाहिए तुम्हें। ऐसे ही उदास पड़े रहोगे तो कैसे चलेगा लोकनाथ? मरने वाले के साथ तुम भी मरोगे। हाँ ये लो पानी पियो, अगर तुम ऐसे ही बैठे रहोगे तो वहाँ तुम्हारे बेटे को निगलने वाला बेटा तेरे साथ घूमने वाले कुत्तों को लेकर नेता बन जाएगा बड़ा। तुम जितना झुकते जाओगे वो उतना ऊपर उठेगा लोकनाथ। अब उसे मारकर जमीन में गाड़ देना है या हाथ जोड़कर उसे सर पर बैठाना है, इसका तुम आज फैसला कर लो लोकनाथ। ए, चल निकल यहाँ से, अपनी बकवास बंद करके बाहर बैठ। अरे समझो तो, जरूरत होगी तो बुला लूंगा तुझे, जाओ। गोरख तुम यही रुको। शाही जी की बात का बुरा मत मानिएगा सर, मुन्ना था तब बात दूसरी थी, अब दूसरी है। चाहे कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो, इस समय गुस्से से नहीं समझ से काम लेने की जरूरत है। बकवास बंद कर। टाइम पर अगर काम किया होता तो आज मेरी जिंदगी ऐसी नहीं होती। समझ से काम लेने के लिए मेरे पास अब बचा ही क्या है? क्या बचा है मेरे पास? क्या बचा है मेरे पास? क्यों बहुत गुस्सा आया? कोई बात नहीं। 4 साल से प्रमोशन के लिए घूम रहे हो, मार भी खाओगे काम भी करोगे। ये पैसे तुम्हारे हैं। समझ गया सर। ये पैसे तुम्हारे ही हैं। समझ गया सर। ये पैसे तुम्हारे ही हैं। समझ गया सर। क्या समझ गया तू? बुरिया बिस्तर बांध कर तैयार रहना, ये समझ गया मैं। तब तक जितना खाना है खा ले, समझ गया मैं। दूसरी बार भी खाना। बादशाह को लाकर। अगर 2 महीने में मेरा प्रमोशन नहीं हुआ तो तीसरी बार तुम्हें दूंगा। हो सकता है कल को ग्रेनाइट की जमीन का सौदा करना पड़े।
साथ साथ उस दुर्गा का भी काम करना होगा। इस टर्म में आ ही नहीं पाएंगे वो लोग। गर्मी ठंडी हो गई तो बाप बेटे के वापस मिलने के चांसेस हैं। तू है। देखा, मैंने तुझसे कहा था ना, हमेशा मामा के कपड़ों के साथ इसके कपड़े सूखते हैं। तो उससे क्या, शादी करेंगे ना ये। चल बेवकूफ। ए, क्या बोल रहे हो तुम लोग? हाँ, आपकी मुन्ना से शादी होने वाली है। ए, ऐसी बातें करोगे ना तो मार खाओगे। बारिश होने वाली है, कपड़े नीचे लेकर जाओ दोनों। कपड़ों पर जो प्यार दिखा रही हो ना, उससे मैं समझ गया था। तुम अपनी बकवास बंद करो और ये सवाल जाकर उसी मुन्ना से पूछो। वो तो कब के मान गए थे, तुम ही अभी भाव खा रही हो। जीवन सुना, प्यार बिना मौसम सुना, प्यार में तुझे करूंगा बसा के तुझे हर पल दिल में। तू मेरा है सजना, देखो तेरा ही सपना, सारी ही उम्र रहना है तेरे ही अब तो दिल में। रुत है देखो ये सुहानी, कहना तू मान ले, आ जा तू पास मेरा नी, चाहत मेरे मन की जान ले। राहों में प्यार की, आओ जीवन के सफर में मिल के हम साथ में चले। पूरा हुआ सपना, लगता हर कोई अपना, कितने प्यारे हैं नजारे, इनको नजर लागे ना। खुशियों की घड़ियां आई, रंग लाया प्यार हमारा, खुशबू से महका देखो छोटा सा ये संसार हमारा। हरियाली रेखे तो मेरे, आई है खुशहाली रे। आजा आजा दिल चोड़े, आज की मटकी फोड़े, कोई गुल्लक निकाले, आज गुल्लक तोड़े, आजा आजा दिल चोड़े। आज की ताजा खबर है, रामनगर के ग्रेनाइट भूमि का सौदा जिस पर 3 महीने से
स्टे ऑर्डर था, सुप्रीम कोर्ट ने आज इसे रद्द कर दिया है। और दूसरी तरफ गरीब कर्मचारी सभा के नेता दुर्गा प्रसाद जी की अकस्मात मौत हो गई है। इस घटना के पीछे कॉन्ट्रैक्टर पारस शाही का हाथ है कहा जाता है, लेकिन वो इस बात से इनकार कर रहे हैं। अब आगे स्पोर्ट्स। बच्चे के सामने अपने सगे बेटे का बदला लेने के लिए उन्होंने मेरे बेटे को मार डाला। जनता मेरी है, लोग हमेशा उनके लिए ही जीता था। उसकी ईमानदारी का बदला आज उन्होंने कैसे चुकाया है? सब कुछ जलाकर राख कर देंगे भाई, शाम तक कोई नहीं बचना चाहिए उनमें से। सुबह का सूरज वो भारत नहीं देखेगा, उसके लिए हमारे दुर्गा का बेटा तैयार खड़ा है। उसे देखो, उसने अपना होमवर्क कंप्लीट भी कर लिया। और तुम क्या कर रहे थे अब तक? ये ग्रेनाइट की जमीन का पब्लिक प्रपोजल है। ये दुर्गा का बेटा है, सुबह किताब लेकर स्कूल जाएगा या चाकू लेकर पाराशाही के घर जाएगा, या आप ही के हाथों में है। इस स्कैम में इस कॉन्ट्रैक्टर के अलावा बड़े बड़े राजनेता भी इन्वॉल्व है, ये आप भी जानते हैं। अगर इस बच्चे के साथ न्याय नहीं हुआ तो कलेक्टर साहब, ये तय करने के लिए मैं आपको 24 घंटे का टाइम देता हूँ, वरना उसके बाद मैं भी चाकू लेकर उनमें से हो जाऊंगा। अब ये छोटी बच्ची नहीं है, ये बड़ी गुंडी है। ज्यादा बात मत करो, चुपचाप खाओ। वहाँ पर कोई है, वहाँ पर कोई है, देखो ना, मैंने देखा कोई। अंदर चलो, अंदर चलो। यहाँ भी कोई नहीं। ए, ये मिला? ए, ए, क्या हुआ? ए, कोई हम पर निगरानी कर रहा है भाई। कौन है वो, पता चला? मुझे तो गड़बड़ लगती है भाई। क्या कर रहा है, मेरी बात तो सुनो, मैं यहाँ कुछ करने के लिए नहीं आया। अरे बस रुको। और ये क्या है, चोरों की तरह यहाँ क्यों आया? गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था भाई। तू हमेशा फेल ही होता है, अंदर ले जाके नहला दो इसे। बादशाह, बादशाह, रुको बादशाह, रुको। हेलो, काम पूरा नहीं हुआ साहब। कोई बादशाह नाम का आदमी बीच में आ गया, सारा प्लान बिगाड़ दिया उसने। बादशाह, उस बादशाह ने हमारा सारा प्लान बिगाड़ के रख दिया। मैं अभी घर जाता हूँ, कुछ और लड़कों को भेजता हूँ। तब तक तुम एक काम करो, तुम यहीं पर रहो, थोड़ा दारू वारू पियो और आराम करो। हाँ, जरूरत नहीं है, जाकर सो जाओ। मेरा शिकार बदले के लिए नहीं है, जान के लिए भी नहीं, एक सच रोकने के लिए है। टारगेट का मिस होना मामूली बात है लोकनाथ, आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। कोई टारगेट नहीं बचा है शाही, तुम जाकर सो जाओ। हाँ।
बादशाह रुको, जो कुछ भी होना है उसे हम रोक नहीं सकते बादशाह। मैं तुम्हें ऐसे पागलों की तरह भटकते हुए नहीं देख सकता। तुम्हारे सामने आए बिना मुंह छिपाकर तुम्हारी छाया बनकर घूमता रहा हूं। इतने दिनों तक कुत्ते की तरह पालतू बना रहा, बस इंसान बनना ही भूल गया था। या अल्लाह। बादशाह, बादशाह जल्दी चलो। केशव, हॉस्पिटल नजदीक है, बस हम पहुंच नहीं वाले। लोकनाथ, मैं 5 मिनट से ज्यादा नहीं जी पाऊंगा। बादशाह जल्दी, पानी। बादशाह पानी, पानी दो। केशव पानी। केशव, केशव। लोकनाथ, मेरे मरने के बाद मेरे परिवार को तुम संभाल लोगे ना? तुम्हें कुछ नहीं होगा केशव। मेरे बच्चों का बाप बनकर तुम्हें कुछ नहीं होगा केशव। मेरे बाप का बेटा बनकर तुम्हें कुछ भी नहीं होगा केशव। इस राज्य का नेता बनकर मेरी जगह खड़े हो तुम्हें ना? कुछ भी नहीं होगा केशव। वादा करो लोकनाथ, मुझसे वादा करो कि इस राज्य का नेता बनकर तुम मेरी जगह पर खड़े होंगे। वादा करो मुझसे। क्या सोच रहे हो? केशव, केशव, बादशाह गाड़ी रोको। इस पाप को मैं कैसे धो पाऊंगा भगवान? बादशाह, मैंने पाप किया है यार। अपने हाथ से केशव को जाकर साहब को बता दे, मेरे टुकड़े टुकड़े करने को कह दे यार, जा। मैं बड़े साहब का आदमी नहीं हूं। तुम्हारा आदमी हूं, तुम्हारे साथ चलने वाला, तुम्हारे साथ रहने वाला। तुम्हारे मालिक वो हैं, मेरे मालिक तुम हो। गाड़ी चालू करो बादशाह। इस सच को छुपाने से ज्यादा बताने में दर्द होता है, ये मैं जान गया था। लेकिन तुम्हारी हालत को देखकर आज मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ। बादशाह, अब मैं ये भार और नहीं सह सकता बेटा। सच क्या है अब तक नहीं जानता था मैं। सच पे यकीन करूं उसके पहले मार डालो। सच का बोझ मौत से ज्यादा है ना? पच्चीस साल
साल इस सच को छुपा कर रखा आपने। चाहे पुराणों में ढूंढ लो, आपके जैसा शख्स नहीं मिलेगा। इस हरकत से तो दरिंदे भी शर्मा जाए। एक बार उन पुराणों से बाहर आकर देखो, मौके के लिए रास्ता बदलने वाले पात्रों के अलावा हीरो विलन कोई नहीं संसार के नाटक में। इंसान के अंदर सिर्फ एक ही धर्म जन्म लेता है और वो है स्वार्थ। हर भूख के सामने का सच ये पेट है। हर किसी का एक ही सपना होता है कि वो शासन करे, और इस सपने की वजह से उसका स्वार्थ सामने आ जाता है। नीति रीतियां कचरे का ढेर बनकर रह जाती हैं। उस दिन से, उस पल से अपने स्वार्थ के लिए जो किया उसका हिसाब आज तक चुकाने की कोशिश में लगा हूं मैं। कभी बाप बनकर, कभी पति बनकर, कभी दोस्त बनकर। अगर सोच समझकर किया होता तो उसी दिन इसे मारकर सच को वहीं दफना दिया होता। मुझे अपनी यात्रा में और आगे तक जाना है तो तुम लोगों को मरना पड़ेगा। मेरे सच की याद दिलाने वाले सभी चरित्रों को मरना ही पड़ेगा। वाह, मार दो, तुम बदला ले लो। मार दो मुझे। तुम्हारी रोशनी में मैं जी नहीं सकता। अंधेरा हो गया मेरी जिंदगी में। तुम सच को देखने आए हो ना? देखो, देखो, देखकर इस अंधेरे को खा जाओ। मारो, 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 मारो। बाबा आपको मारने के लिए यहां नहीं आया था। आपके हाथों मरना तो सीखा है, लेकिन आप पे हाथ उठा सको ये नहीं सीखा। बचपन से आज तक मैंने आपको पापा माना है। मुझे आपने सौतेला समझा हो, लेकिन मैंने नहीं। आपने मुझसे रिश्ता तो निभाया, लेकिन मेरा नहीं, सगे बेटे का साथ दिया। कायदे से आपको मारकर अपने सगे पापा का बदला लेना मेरा कर्तव्य है, लेकिन नहीं मारूंगा, क्योंकि मैंने आपको उन्हीं का दर्जा दिया है। मुझे मारकर आस्तीन के सांप के चरित्र को आज फिर एक बार दोहरा लीजिए और इस नाटक को हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए। इस सच्चाई को माँ को मत बताइए, वो सह नहीं पाएगी। चिंगारी को तो आग बन जाए, एक सहारा जो छीने तो दूजा बन जाए। चाहे ना तन साथ में, कर्म ही साथ में जाए। चलता रहे यूं ही जीवन, ईश्वर जो चाहे, ईश्वर जो चाहे।
काल के गर्भ में अंधेरे और उजाले की तरह इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई संघर्ष करती रहती है, और ये संघर्ष ही इंसान की जीवन यात्रा कहलाती है। पढ़ने दे आगे बढ़ना, रुकना जाना, चलते जाना, जीने में हाँ जीने में, सहते जाना दुखों से ना तू घबराना। ना भूलना, नव में भी प्रेम का पंछी बनके तुझको है उड़ना, मेघ की तरह तुझको है गरजना, मेघ की तरह तुझको भी धरा पे है बरसना।